ये भक्ति जीवन जनार्दन के समय हमारे जीवन वाले आज उनका तिथि है तो
भागवत बोल, आ जा खोलो पोथी। और तुम कुछ बोलो सर, तुम्हारा कुछ याद है तुम्हारे सवेर का? तुम्हारे सवेर याद है, तुम्हारे पार सवेर का सुबह का। इसको भी तैयारी करना है, इसे नहीं? हाँ नहीं, इसका भी चल रहा है। हाँ इसका भी चल रहा है। तो सबसे पहले चल रहे सब पहले एक खरगोश चल रहा था, एक कछुआ चल रहा था। खरगोश थोड़ा तेज, कछुआ खरगोश खूब तेज हो रहा था, खरगोश धीरे धीरे चल रहा था। नहीं ये कछुआ बस खरगोश जाकर कहीं सो गए, अरे कछुआ जाकर सो पार हो गया। क्यों बंद करेंगे, चलेगा? अज्ञान के निरंतर से ज्ञान जीवन चला गया, जब शुरु मेरे तम ने न तस्मै श्री गुरु है नमः। वांछा कल्पत विभक्ति प्रकाश हो गए, प्रदान अंकार है जो वैष्णव व्यक्ति हो नमः। श्री कृष्ण कलवादा करता है, श्री कोई भी कलवादा करता है, 5 मिनट बोलो। हरे कृष्ण आ जाइए, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, आइए हरे राम हरे राम राम राम। सवेरे हाँ ये सर्वदा मैं अपने गुरुपाद पद्म परम आराधितम श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत श्री गुरु गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदश श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदश श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। नित्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदश श्री श्रीमद्भक्ति श्री जनार्दन गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आज इनकी शुभ तेरह भाव लिखी जाए समस्त रूपानंद गुरुवर के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम। श्री राधा गोविंद देव श्रीमद महाप्रभु श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा से कृपा वाक्य याचना करते हुए यहाँ उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में प्रणाम। हम गुरुदेव के वक्रारिंद से श्रवण कर दशम स्कंध के अंतर्गत भगवान कृष्ण अभी देवकी मैया के गर्भ को आश्रय करके प्रकट होंगे, और जब भगवान मैया के गर्भ में आए हैं उस समय पर देवता भी वहां पर उपस्थित होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। स्तुति करते हुए प्रथम श्लोक जो उन्होंने बोला था वो था सत्य व्रतम सत्य परम त्रि सत्यम सत्यश्च योनि निहितम च सत्य सत्यश्च सत्यात्मृत सत्य नेत्र सत्यात्मकम त्वां शरणम प्रपन्नम। पहला श्लोक जो हमने कल श्रवण कर रहे थे गुरुदेव से, उसके अंदर उन्होंने पहला श्लोक के अंदर सत्य 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 कहकर सत्य की एक बार में झड़ी लगा दी। गुरुदेव बता रहे थे कि इस अवास्तव जगत के अंदर एकमात्र सत्य कौन है, भगवान ही है। इसलिए देवता लोग स्तुति करते हुए कह रहे हैं। और जो प्रथम श्लोक भागवतम का है उसके अंदर भी बताया कि धामना स्वेत सदा निरस्त को हुकम सत्यम परम धीमहि, कि मैं उसी सत्य का ध्यान करता हूँ। वो सत्य कौन है, वो सत्य भगवान कृष्ण है। तो पहला शब्द जो यहाँ बताया है सत्यव्रत, सत्यव्रत भगवान का एक नाम सत्यव्रत है, उनका व्रत जो है उनका व्रत सत्य है। भगवान का व्रत क्या सत्य है, यहाँ पर बता रहे हैं जब पृथ्वी के ऊपर बहुत ही अत्याचार हो रहा था, कंस ने सारे गायों की हत्या करना चालू कर दिया था, सब ऋषि मुनियों को कारागार में बंदी बना लिया था, सब हरे बड़े पेड़ों को काट दिया था। उस समय पर पृथ्वी बड़ी ही दुखी होकर और देवताओं के पास में गई, देवताओं के ऊपर भी बड़ा अत्याचार किया था कंस ने। तो इन असुरों के अत्याचार से दुखी होकर जब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी फिर शंकर जी के पास गए, शंकर जी को लेकर और इंद्र इत्यादि को लेकर सब जाते हैं क्षीर समुद्र पर। तो एक क्षीर सागर में जब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी, पुरुषोत्तम मंत्र से प्रार्थना करी, तब जाकर उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई गई। भगवान ने स्वयं कहा कि हे देवता मैं तुम्हारे दुख को जान गया हूँ, और तुम सभी देवता को उन्होंने भगवान आदेश देते हुए कहते हैं कि तुम जाकर यदुवंश में जन्म ग्रहण करो, और सारी देवियां सारी लक्ष्मियां जो हैं उनको आदेश करते हुए भगवान कहते हैं कि तुम जाकर गोपी गर्भ से जन्म ग्रहण करो, और मैं निश्चय ही मैं निश्चय ही यदुवंश में जन्म ग्रहण करूंगा। तब अभी इस समय पर जब भगवान कृष्ण देवकी के घर में आ चुके हैं तो देवता मान कह रहे कि हाँ भगवान आपका व्रत निश्चय सत्य है, आपने कहा था कि आप हमारा दुख निवारण करने के लिए आएंगे और आप सत्य 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 ही आप आ चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पर बताया सत्य व्रत, भगवान ने जो कहा वो सत्य है। और एक चीज भगवान का जैसे गुरुदेव बता रहे थे, हम लोग कोई व्रत लेते हैं, कोई सोमवार मंगलवार इत्यादि का व्रत लेता है, इसी प्रकार भगवान का भी एक व्रत है। क्या व्रत है, सकृदेव प्रपन्नाय तमस्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो
ददाम एतत् व्रतम मम, भगवान कह रहे हैं, ये कौन, भगवान राम कह रहे हैं, किस समय पर, जब विभूषण, जब विभीषण रावण के पास में जाता है उनको समझाने के लिए कि देखो भाई हम कुलस्थ ऋषि के वंशज हैं और पराई स्त्री को अपहरण करके उसके साथ उसको अपनी पत्नी बनाना ये हमारा धर्म नहीं है और ये तो सीता है, सीता साक्षात जगत जननी है, तो आप क्या करो, आप सीता को राम, भगवान राम को लौटा दो और आप जब उनकी शरणागत हो जाओगे निश्चय रूप में वो आपके इस अपराध को क्षमा भी कर देंगे। तो उस समय पर रावण तो अहंकार में मत्त था, उसने विभीषण को वक्षस्थल पे बहुत ही जोर से प्रहार करते हुए और उसे बोला कि तुम मुझे ज्ञान देते हो, इस प्रकार उनका बड़ा ही अनादर किया। उस समय पर विभीषण रावण लंका को छोड़कर और भगवान राम के शरण में आए। अभी भगवान राम के शरण में आने पर भगवान राम सबसे प्रश्न कर रहे हैं, सुग्रीव से पूछा बताओ क्या करना चाहिए। सुग्रीव बोलने लगा, बोले प्रभु ये आपके शत्रु का भाई है, न जाने ये दोनों भाई मिलकर क्या चाल चल रहे हो, कुछ योजना बनाकर, क्या पता आपके प्रति कुछ इन लोग योजना बना रहे हो, तो इसी वजह से आप निश्चित आप इसे शरण मत देना। सभी ने वहां पर मना किया कि तो हनुमान जी वहां पर कहते हैं कि प्रभु मैं जब लंका में गया था तब ये ही एकमात्र थे जिन्हें जो मुझे अपने अनुकूल लगे। गुरुदेव बताते हैं किस प्रकार जब विभीषण के घर के बाहर हनुमान जी गए तो उन्होंने श्री राम लिखा देखा और अंदर से वो राम नाम का जाप कर रहे थे। इन्होंने ही, हनुमान जी कहते हैं कि इन्होंने ही मुझे मैया सीता का पता बताया था, इसलिए ये आप निश्चय रूप में ये कपटता ही ये आपके शरण लेने के लिए ही आए हैं। तो उस समय पर भगवान ये श्लोक कह रहे हैं कि सकृदेव प्रपन्नाय, अगर कोई एक बार भी ये कह दे कि तमस्मीति जयाचते, हे भगवान मैं आपका हूँ, तो क्या करते हैं भगवान, भगवान उसको कभी छोड़ नहीं सकते, भगवान उसका त्याग नहीं करते। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो, कि जो भगवान की चरण कमलों का आश्रय लेता है भगवान उसे अभय प्रदान करते हैं। भगवान के चरण कमल हम लोग कल भी श्रवण कर रहे थे, क्या है, अशोक अभय अमृत आधार तुम्हारा चरण द्वय। तो भगवान के चरण जो भी, यदि कोई भगवान एकमात्र पालन करता है, भक्तों के पालन करता है और भगवान के चरणों का यदि कोई आश्रय ले तो वो निश्चय रूप में ही उसकी रक्षा करते हैं। महाभारत में एक श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि सत्य प्रतिष्ठित कृष्ण सत्यम अस्मिन् प्रतिष्ठितम् सत्यास्ते सत्ये च गोविन्द तस्मात् सत्ये मामत, कि भगवान कृष्ण जितने सारे सत्य वस्तु है उसमें सत्य कौन है, भगवान कृष्ण ही सत्य है और सत्यों में भी सत्य, इसलिए उनका नाम गोविंद है। अब उसके बाद में दूसरा शब्द जो बताया है वहां पर कह रहे हैं सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य। त्रिसत्य का अर्थ गुरुदेव बता रहे थे कि भगवान त्रिसत्य अर्थात उनका कार्य, उनकी ज्ञान बल और क्रिया, क्या स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया च, न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत् समस्य अभिधिकर्षित दृश्यते परास्य शक्तिर् विविधेव श्रूयते, स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया च। तो भगवान की ये ज्ञान शक्ति, बल शक्ति और क्रिया शक्ति, ये तीनों शक्ति क्या है, त्रिसत्य, ये तीनों सत्य है। उसके बाद में बता रहे हैं सत्यश्च योनि, सत्यश्च योनि अर्थात योनि का मतलब होता है सृष्टि, भगवान की जो सृष्टि है, भगवान की सृष्टि क्या है, उनके सारे अवतार। भागवतम में तो विशेष रूप से 24 अवतारों का वर्णन किया गया है, हम लोग श्रवण कर चुके हैं, चतुसन नारद इत्यादि, सनत कुमार और उसके बाद में फिर नारायण पर्वत, वरहा, नरसिंह, कूर्म, मीन इत्यादि इत्यादि अवतारों का जो वर्णन हम श्रवण कर रहे थे। तो उसके अंदर ये सारे अवतार, भगवान के सारे अवतार जो है वो सत्य है और इन अवतार तो सत्य है ही, उसके साथ साथ में इन अवतारों के जो अवतारी हैं अर्थात जो इनका उद्गम स्थान है भगवान कृष्ण, वो भी सत्य हैं। फिर बता रहा था निहितम च सत्य, कि भगवान रहते कहाँ हैं, निहितम च सत्य अर्थात उनके जो निवास स्थान है वो भी सत्य है, अनंत अनंत वैकुंठ जो है वो सत्य है, उसके बाद में साकेत धाम, फिर द्वारका, मथुरा, वृंदावन, भगवान के जितने निवास स्थान है निहितम च सत्य, वो भी सत्य स्वरूप है। सत्यश्च सत्यम सत्यात्मकम, कि सत्यों में परम सत्य कौन है, भगवान ही है और उनके सारे विग्रह जो है तो सारे विग्रह भी भगवान के सत्य है। फिर उसके बाद में कह रहे हैं कि सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, हे भगवान में देवता लोग कह रहे हैं कि हम आपकी शरण लेते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि जो भी कोई भगवान की शरण लेता है वो बड़ी ही आसानी से इस भव सागर को पार कर जाता है। गुरुदेव एक श्लोक के माध्यम से हमें समझा रहे थे कि कुर्वन्ति गोवत्स पद भवाब्धिम, कि
एक गाय का बछड़ा जैसे होता है, गाय का बछड़ा यदि कहीं गीले जगह पर पैर मार दे तो एक गड्ढा सा हो जाता है, देखा होगा ना तुमने, उस गड्ढे के अंदर यदि पानी भर जाए तो उस गड्ढे को क्रॉस करने में, उस गड्ढे को पार करने में क्या कुछ परिश्रम लगता है? इसी प्रकार ये भवसागर एक गाय के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति सूक्ष्म हो जाता है, किनके लिए? जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है। लेकिन यहां बता रहे हैं कि भगवान इस भवसागर को पार करने के लिए भगवान के चरण कमल क्या है? एक नौका स्वरूप है, और जब भी हम नौका से पार होते हैं तो इस पार से यदि उस पार जाएंगे हम तो पार हो जाएंगे, किंतु नौका भी उस तरफ ही रहेगी। किंतु एक अद्भुत बात यहाँ पर क्या है कि नौका इस तरफ ही रहती है। तो गुरुदेव बता रहे थे ऐसा कैसे, यदि कोई नाव से नदी पार कर रहा है तब तो नौका वो जिस तरफ जा रहे हैं उसी तरफ रह जाएगी। बोले नहीं, क्यों? क्योंकि गुरु परंपरा के अंदर जो सदगुरु जैसे हमारे गुरु वर्ग ठाकुर जी के चरण कमल का आश्रय लेते हुए इस भवसागर को पार तो हो गए, किंतु उन्होंने अपना भजन आदर्श जो भजन की शिक्षा इत्यादि दी है वो एक नौका स्वरूप है, और जो शिष्य परशिष्य उस भजन आदर्श को पालन करते हैं तो वो नौका इसी तरफ है, और फिर उसके बाद में जब वो भवसागर से पार होंगे तब भी ये नौका जो है इसी तरफ रह जाएगी, वो स्वयं तो पार हो जाएंगे किंतु नौका इसी तरफ रह जाएगी। इसी वजह से भगवान के चरण कमलों को एकमात्र आश्रय करना चाहिए। यहाँ पर बता रहे हैं ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना तो ये असद्भाव अविशुद्ध बुद्धया आरोह्य प्रक्षेण परम पतित पतंती अनावृत युष्मद अग्र। इस श्लोक के माध्यम से बता रहे थे कि हे ये अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना, भगवान कैसे है अरविंदाक्ष अर्थात उनके नयन कैसे है कमल के समान, हे कमल लोचन हे पद्म लोचन भगवान, न जाने लोग क्यों ज्ञान का आश्रय लेते हैं, क्योंकि ज्ञान के अंदर गुरुदेव ने विस्तृत रूप में इस बात की चर्चा करी थी कि ज्ञान ज्ञानी लोग की क्या फिलोसॉफी होती है। वो लोग पंच उपासक होते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, शिव की उपासना करते हैं, गणेश की कृष्ण की, इस तरह से पंच उपासना करते हैं। उनकी क्या बुद्धि होती है कि अभी ये हमारा मन चंचल है, हमारा चित्त अशुद्ध है, तो इस चित्त शुद्धि के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भगवान के विग्रह को मानना पड़ेगा। वो भगवान के विग्रह की जो पूजा करते हैं वो कब तक करते हैं, मतलब ज्ञान का सहारा लेते हैं किंतु एकमात्र चित्त शुद्धि के लिए। जैसे ही चित्त शुद्ध हो जाता है उसके बाद में वो जो साधन है, साधन उनका क्या है, ज्ञान, तो उस ज्ञान को भी छोड़ देंगे और जो भक्त उनका विग्रह है उस विग्रह को भी त्याग कर देते हैं। किंतु भक्तों के लिए ऐसा नहीं है। गुरुदेव वर्णन कर रहे थे कि ज्ञान के अंदर बड़ी ही योग्यता की आवश्यकता है, क्या कि किसी व्यक्ति को अंतर इंद्रियों का दमन करना पड़ेगा, बाह्य इंद्रियों को दमन करना पड़ेगा, और ये इंद्रिय दमन करना इतना आसान नहीं होता। किंतु भक्ति के अंदर किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। भक्ति के अंदर कोई भी व्यक्ति आके ठाकुर घर की परिक्रमा कर सकता है, कथा श्रवण कर सकता है, कीर्तन कर सकता है। भगवान ने जो है भक्ति के नौ अंग बताए हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि, तो ये इसमें से कोई एक भी अंग याचन करने से क्या होता है, अनायास ही भगवत चरणों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान गीता में कहते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम पोयम, तो ये यो भी भक्त्या प्रयश्यति, जो भी भक्ति से ये चार चीजें पत्र पुष्प फल और पानी, तो ये चार चीजें गुरुदेव बता रहे थे फ्री में मिलती है, और इनको यदि कोई भक्ति पूर्वक भगवान के चरणों में अर्पित करे तो वो निश्चित रूप में ही भगवान उसको अभय प्रदान कर देते हैं। तो भक्ति इतना सरल मार्ग है, उसके बाद भी लोग क्या करते हैं, ज्ञान का यदि कोई आश्रय लेता है और आश्रय लेने पर यदि वो बहुत ही ऊंचे स्थान पर भी पहुंच जाते हैं, आरोह्य कृच्छेण परम पदम तक, तो भी क्या होता है, पतंती यथा, वहां से भी उनका पतन हो जाता है, वहां से भी उनका पतन हो जाता है। क्यों हो जाता है? गुरुदेव यहाँ पर बता रहे थे कि जैसे गुरुदेव बता रहे थे माया, जैसे किसी व्यक्ति का पतन कब होगा, जब माया से आकर्षित हो जाएगा। तो माया स्त्री है, एक स्त्री कभी भी स्त्री को आकर्षित नहीं करती, स्त्री स्त्री में आकर्षण नहीं होता, स्त्री पुरुष में आकर्षण होता है। माया स्त्री है और भक्ति भक्ति भी स्त्री है। तो जो लोग भक्ति का आश्रय लेते हैं तो भक्ति और माया आकर्षित नहीं होती, इसी वजह से भक्तजन बचे रहते हैं। किंतु ज्ञान क्या है, पुरुष है, तो जो लोग ज्ञानी हैं जो ज्ञान का आश्रय लेते हैं माया उनको आकर्षित करके उनका पतन करवा देती है। इस उदाहरण के माध्यम से भी गुरुदेव ने हमको समझाया था। उसके इसलिए ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए क्या कह रहे थे, श्रेयस्यते भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धे है। यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे कोई खाली धान जो तुस होता है तो उसको कूटने से कभी धान प्राप्त नहीं हो सकता है, धान उससे पहले बाहर निकाला जा चुका है, अभी वो भूसा है,
अगर कोई भूसे को फूटेगा तो उसको क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे ना। हाँ, ओखल भी टूटेगी, परिश्रम भी होगा और उससे कुछ प्राप्त भी नहीं होगा, है ना। तो यही बता रहे हैं कि जो परिश्रम होता है ज्ञानियों का वो क्या है, एक भूसे को कूटने की भांति है, क्योंकि उससे धान प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए एकमात्र ठाकुर के चरणों का आश्रय लेकर ही सदगति हो सकती है। गुरुदेव एक श्लोक के माध्यम से और बता रहे थे कल की गीता में बताया है ना भगवान ने, अव्यक्त आसक्त चेतसा अव्यक्ता ही गति दुःखम। जो ज्ञान का आश्रय लेते हैं उनकी क्या होती है, दुर्गति होती है। और फिर यहाँ पर विश्वनाथ ठाकुर प्रश्न करते हैं कि आप सब समय ज्ञान की चर्चा कर रहे हो कि ज्ञानियों का पतन होता है, किंतु भागवत में तो अनेक अनेक जगह पर देखा जाता है, महाराज चित्र केतु वो जब विमान के अंदर विहार कर रहे थे, उन्होंने पार्वती जी को शिव जी की गोद में बैठे हुए देखा तो वहां पर कटाक्ष करते हुए कह दिया कि स्त्री को तो एकांत में अपने पास में बिठाना चाहिए, आप उनको अपनी गोद में बिठाकर और यहाँ उपदेश दे रहे हो। पार्वती रुष्ट हो गई, रुष्ट होकर उन्होंने श्राप दे दिया, बोले असुरों की तरह तुम्हारी गति है, असुर हो जाओ। तो चित्र केतु महाराज कौन बने, मित्रासुर बन गए। तो उनका पतन हुआ, तो उनका पतन वहां पर हो गया। जब इंद्रदेव ने महाराज तपस्या कर रहे थे, इंद्रदेव महाराज ने तपस्या कर रहे थे तो अगस्त मुनि आए, उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। अगस्त मुनि ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया, बोले हाथी की तरह पैदा रहता है, जा हाथी हो जा, गजेंद्र बन गए। हाँ, इंसान योनि थी और पशु योनि में आ गए, उनका भी पतन हुआ। और एक उदाहरण किसका दिया था, भरत महाराज का, जड़ भरत पूरा राज्य छोड़कर जंगल में आए हैं भजन करने के उद्देश्य से, और एक हिरण में आसक्त हो गए, मरते वक्त उसी हिरण का चिंतन किया तो अगली योनि हिरण की मिली, उनका भी तो पतन हुआ। तो आप कह रहे हो सिर्फ ज्ञानियों ज्ञानियों का पतन होता है, यहाँ पर भक्तों का भी तो पतन देखा जा रहा है। तो उसके विषय में विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर क्या कहते हैं वो हम आज गुरुदेव से श्रवण करेंगे। वांछा कल्पद्रवश कृपा सिंधु वेवच प्रतिदानं पावनि वैष्णवो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शक्ति गौरभक्तवृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत सरस्वती जो दुखन गुरु महाराज के जन्म साष्टांग गर्व प्रणाम करके उनका हेतु कृपा रक्षा करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव पर्व नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सरस्वती भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सरस्वती भक्ति के रूप लखी धनंजय गोस्वामी महाराज के जन्म साष्टांग गर्व प्रणाम करके उनका हेतु कृपा रक्षा करता हूँ। आज जिनका विरह तिथि है जगन्नाथ बलदेव श्री भद्राश्वर जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके उनका हेतु कृपा रक्षा करता हूँ। उपस्थित सभी गुरु भ्राता वृंद आज शुभ तिरुभाग तिथि है। तो इसी बारे में अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, हम लोगों ने उनके घर में विपट चित्र को देखा नहीं, ज्यादातर उनके बस पंजिका में उनका नाम आता है। तो यहाँ पे हमारे गुरुदेव बड़े अच्छे शिक्षा देते हैं। एक समय गुरुदेव किसी भक्त के घर में दिल्ली में थे,
तो वहां पे तुझे बात थी कि मैं कॉपी प्रमाण पूरी रूप से महाराज का की उपस्थित को तो वो लोग तो जानते नहीं कि तुझे बात कॉपी प्रमाण पूरी रूप से महाराज की। फिर गुरुदेव ने इसमें उत्तर नारायण गोसाई महाराज जी ने गुरुदेव ने बताया कि आपके पास भक्ति प्रमाण पूरी रूप से महाराज का कुछ पटचित्र है नहीं है। अच्छा उनके कुछ लिखने ग्रंथ है बोले हाँ ग्रंथ हो सकता है ग्रंथ दे दे। तो एक समय गुरुदेव फरन पे भी थे तो वहां पे कुछ नहीं मिला था बस एक समय ऐसा भी परिस्थिति हुआ तो गुरुदेव बताया करते थे कि वैष्णव का जो वास्तविक जो तिथि पालन वैष्णव का वास्तविक आचार विचार में उसको ग्रहण करना ही वास्तविक वैष्णव का तिथि पालन है। हमारे गुरुदेव बताया करते थे अगर हो सके तो क्या करना चाहिए उनका चरण में पुष्पांजलि देना चाहिए और ये भी ना हो सके तो उनका सबसे जो महत्वपूर्ण बात है उनका आचार विचार वो किस चीज को शिक्षा दे के गए क्योंकि जो अपराकृत महाभागवत वो किसी ना किसी चीज को शिक्षा दे के ही जाते हैं तो उनके शिक्षा को क्या करना चाहिए गुरु वैष्णव के मुख से श्रवण करना चाहिए और कितना भी ना हो सके तो बस उनका जय ध्वनि देना चाहिए क्योंकि उनके जय ध्वनि मात्र से ही क्या होगा न वास्तव में उनका जो तिथि है उसका पालन कर हो जाएगा। इसलिए हम एक बार जय ध्वनि देंगे आज महाराज जी का तिथि है नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर विष्णु भक्ति व्यंजन आनंद गोस्वामी महाराज की जय। अब यहाँ पे जानने वाले बात है हमारे गुरुदेव बताया करते थे कि जो विरह तिथि है जो विरह तिथि के बारे में जिस वैष्णव के बारे में अभी हम लोग श्रवण कर रहे हैं कि अन्य कोई भी विरह तिथि उपस्थित हो जाता है तो ये वास्तविक क्या है ना उनके जो आचार और विचार और वास्तव में हम लोगों को जगत में किस चीज को प्रदान करके गए उनका जो मनोविष्ट था क्या था वो किस प्रकार प्रभुपाद के सेवा करते थे किस प्रकार अपने वैष्णव का सेवा करते थे गुरुवर्ग का सेवा करते थे उनका उसी विचार को थोड़ा सा स्पर्श करना क्योंकि हम बद्ध जीव है उनको पूरा का पूरा नहीं कर सकते वो भी मठवास किए हुए हम भी मठवास किए और उन्होंने क्या किया अपने जीवन में वही आचरण को शिक्षा देने के लिए हम जैसे अभी हम जैसे ब्रह्मचारी के लिए वास्तव में ये पूरा का पूरा जानने वाला चीज है। हमारे गुरुदेव बताया करते थे कि जो हरिकथा होता है सबसे पहले तो ये हम जैसे मठवासी जो भक्त हैं उनके लिए हरिकथा होता है क्योंकि उनको हमको ये पालन करना ही पड़ेगा चाहे गृहस्थ कोई आता है बाहर से सुने ना सुने लेकिन हमको तो ये पालन करना ही पड़ेगा इसमें प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। इसलिए गुरुदेव बताया करते थे कि वास्तव में जो विरह तिथि है वो विरह तिथि उन वैष्णव का जो आचार और विचार को हमारे हृदय में हम कितने मात्रा में स्पर्श करेंगे उसको हम कितने मात्रा में धारण करेंगे वही वास्तविक विरह तिथि है। और श्रीला प्रभुपाद बताया करते थे कि जो विरह तिथि होता है वो क्या बताया करते थे प्रभुपाद एक वार में बताया करते थे कि ब्रजे जावर तिथि कि ब्रज में जाने का तिथि है जो विरह तिथि है वो क्या है ना ब्रज में जाने का तिथि। यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम जितना भी साधन करते हैं उनके विरह तिथि में जितना हम उनके बारे में श्रवण करते हैं कीर्तन करते हैं उनके आचार विचार को ग्रहण करने के लिए हम क्या करते हैं प्रयास करते हैं तो क्या होता है उतना परिमाण में ही हमारा ब्रज में जो जाने का जो रास्ता है उसमें गतिशील होते हैं हम उतना हमारे ब्रज में जाने का जो विचार है हम जो जिस भाव में ब्रज में जाएंगे जिस भाव में गुरु वैष्णव के अनुरोध में वास्तव में हमारा मूल उद्देश्य क्या है राधा दर्शन कैसे राधा दर्शन प्राप्त हुआ ना हमारे हम कैसे गोलोक जाएंगे कि ब्रज में कैसे जाएंगे तो ये जो विरह तिथि इतना इसका महात्म्य है कि हमारे प्रभुपाद बताया करते थे कि क्या है ना ये है ना ब्रजे जावर तिथि कैसे ब्रज में जाने का तिथि। अब हम पूज्यपाद महाराज जी के बारे में श्रवण करेंगे इनके जीवन चरित्र अपराकृत जीवन चरित्र है क्योंकि जो वैष्णव लोग हैं जितने प्रभुपाद और प्रभुपाद के जितने भी सारे के सारे शिष्य वो सब लोग कुछ ना कुछ विशेष शिक्षा देने के लिए ही जगत में वो आए। अब ये यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा लीला का वो ना ही परिचय आविर्भाव तिरोभाव कहे मात्र है कि वो आते हैं चले जाते हैं इसका मतलब इसका कोई परिचय क्या कोई पृष्ठभ नहीं होता है इसको तो आविर्भाव तिरोभाव मात्र वेद क्या करते हैं बस बोलते हैं जैसे हमारे गजेंद्र प्रभु बहुत सुंदर प्रभु बता रहे थे कि गुरुदेव कल बता रहे थे कि एक नाव क्या होता है गुरु वैष्णव जब जिस नाव पे जाते हैं नाव को उधर से छोड़ देते हैं तो क्या छोड़ देते हैं वो अपना आचार और विचार को छोड़ देके जाते हैं वो किस प्रकार से उन्होंने क्या आचरण करके क्या शिक्षा दिया उसको हमको क्या करना है विशेष रूप में ग्रहण करना है। एक समय के बात है श्री भक्तिवेदांत बावन गोस्वामी महाराज जी के साथ ही हमारे पूज्य पाद भक्ति गोस्वामी महाराज देवानंद गोड़े मठ में बहुत देर तक रुके तो एक प्रभु जी ने
महाराज जी बड़े हसमुख के टाइप में, मतलब बहुत मजाक किया करते थे। तो एक ब्रह्मचारी ने पूछे बाद भक्तिवेदांत बामन गोस्वामी महाराज जी से जाकर बोल दिया, शिकायत करने लगा कि महाराज जी ये कैसे वैष्णव है, ये तो बहुत हंसी मजाक करते हैं। तो पूछे बाद भक्तिवेदांत बामन गोस्वामी महाराज जी ने बोला कि वही उनका सेवा है, हंसी मजाक करना भी वही उनका सेवा है। अभी तुम्हारा बद्ध दशा है, तुम उनको ठीक से अभी जान नहीं पाओगे। देखो इसको हमारे परम गुरुदेव बता रहे हैं, हमारे परम गुरुदेव बता रहे हैं कि जो दोष है वैष्णव का, जो दोष देखना सबसे बड़ा क्या है ना, अपराध है। वैष्णव में दोष देखने लगोगे, ये ऐसा करता है वो ऐसा करता है, ये सबसे बड़ा अपराध है। तो अब परम गुरुदेव बता रहे हैं कि दोष देखना ही मेरा सेवा है। अब सारे के सारे शास्त्र में बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, क्या होता है ना वैष्णव का, अगर कोई दोष देख लिया तो उसमें क्या होगा बता मुझे। अब परम गुरुदेव बोल रहे हैं कि दोष देखना मेरा सेवा है, ये कैसे हो सकता है? दोष देखना कोई सेवा हो सकता है क्या? माला जप रहे ना, रख दो हरि कथा सुनो ध्यान से, दोष देखना कोई सेवा होता है नहीं। तो परम गुरुदेव बोल रहे किस दृष्टिकोण से बोल रहे हैं उसको समझना पड़ेगा। ये बोलना चाहते हैं परम गुरुदेव, हमारे परम गुरुदेव बोलना चाहते हैं कि प्रभुपाद के जो विचार में, प्रभुपाद के जो सिद्धांत में कोई भी रत्ती भर भी थोड़ा सा भी अगर इधर उधर के विचार को उसमें डाल दिया, अपसंप्रदाय को अगर उसमें क्या क्या घुसा दिया, तो मैं उनका दोष देखूंगा। चाहे इनको परम गुरुदेव को क्या कोर्ट में अपील करना पड़ता था, किसी भी किसी बड़े बड़े सेवा में मुख्य तौर से उनको घोषणा करना पड़ता था, चाहे कुछ आर्टिकल लिखते थे, चाहे कुछ मैगजीन लिखते थे, कुछ भी करते थे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो वास्तविक जो अपराधिक वैष्णव है उनके सब आचरण क्या है ना, शिक्षा प्रद है। सब आचरण क्या है, शिक्षा प्रद है। तो महाराज जी मुझे बस, महाराज जी खड़गपुर में रहा करते थे, तो महाराज जी बड़े गायों का बहुत सेवा करते थे। बच्चों बात मत करो, कथा हो रही है। ए बच्चों तो हरे कृष्णा, हाँ प्रसाद लेकर जा। तो ठाकुर जी का सेवा करते थे, उसके साथ गायों से भी महाराज जी का बहुत प्रीति था। तो उनके एक शिष्य थे नीताय प्रभु, उनको बोला करते थे अरे बाबा तुम्हें जाने हमारे वास्तविक संपत्ति की, समझ में आ रहा है? तुमको पता है, बंगला में बोला करते थे, तुमको पता है हमारा जो वास्तविक संपत्ति क्या है? तो महाराज जी बोलते एट जो देख ना बाल्टी, अरे एटा दौड़ ये हमारा वास्तविक संपत्ति, ये जो बाल्टी देख रहे हो, ये जो जो रस्सी है वही हमारा वास्तविक संपत्ति है। तो पूछे बाद नीता पूछा करते थे कि ये हमारा वास्तविक संपत्ति है, अरे हम ग्वालिनी है। तो उनका वास्तविक स्वरूप क्या है? वास्तव में बताया करते थे महाराज जी पूछे बाद नीता प्रभु की जब महाराज जी कहीं बाहर जाते हैं 5-6 दिन के लिए प्रचार के लिए, तो जब आते हैं तो जब द्वार पे आ जाते हैं तब क्या होता है, सारे के सारे गाय मठ में, जब खड़गपुर मठ में जो मैं गया हूँ उनके पीछे गोसर है, तो वहाँ क्या होता है सारे के सारे जो गया है वो आगे आ जाते हैं महाराज जी के गंध को मतलब सुन के ही आ जाते हैं। फिर महाराज कुछ सब कुछ छोड़ के वो गाय के पास ले जाते हैं, कहीं से बिस्किट ले आते हैं, कहीं से केला, कुछ ना कुछ गाय को देते हैं पूरा। सब लोग गाय लोग मतलब इतना महाराज जी सेवा करते थे। तो ये सेवा कौन करता है ब्रज में? तो वास्तव में अपने स्वरूप को प्रकाशित कर रहे हैं कि ये कोई साधारण नहीं है, ये राधा रानी के नित्य मंजरी है, प्राण मंजरी बोला जाता है इनको। एक समय के बाद प्रभुपाद के जो प्रकट लीला में इन्होंने बहुत सारे सेवा किया, और इस समय नहीं है। तो लेकिन उनका जो प्रभुपाद के अप्रकट के बाद एक छोटा सा उदाहरण देते हुए आप समझिए कि किसी समय प्रभुपाद के अप्रकट के बाद इन्होंने क्या किया ना, एक विग्रह वाला को जयपुर में एक विग्रह वाला को प्रभुपाद के विग्रह बनाने के लिए ऑर्डर दे दिया। अब इतने में जब विग्रह बन के आया, पूरा पैकिंग होके पेटी में जब विग्रह बन के आया, तब उसी समय क्या हुआ, महाराज जी को कैसे करके पता चल गया कि गेट के बाहर गाड़ी आ चुका है, गाड़ी लग गया गेट के बाहर और विग्रह आया। तुरंत महाराज जी आ गए, सबको बोले अरे तड़ा तड़ा बोले जल्दी आओ जल्दी आओ, बोले जल्दी खोलो, बोले जल्दी खोलो अभी तुरंत खोलो, प्रभुपाद को कष्ट हुआ होगा जल्दी खोलो तुरंत खोलो। फिर तुरंत खोले, खोलते ही प्रभुपाद को विग्रह को एक आसन में बिठाया और उसी आसन में आरती शुरू कर दिया। अब ऐसे शिक्षा क्या देते हैं बता रहे हैं, बड़े शिक्षा विचार दे रहे हैं क्या ना, जो मुक्त आत्मा है इन्होंने क्या किया ना, जिस समय पे प्रभुपाद के विग्रह को बनाने के लिए एक मूर्तिकार को ऑर्डर दे दिया,
उस समय अपना भाव को भी वहां पे क्या किया, उनको दे दिया। वास्तव में इनका भाव भी क्या होता है, मूर्ति के स्वरूप मूर्तिमान होता है। इन्होंने फिर जाके देखा कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो ये वास्तव में अपना भाव को क्या किया, उसी विग्रह में रख दिया। तो जो लेकिन बद्ध जीव में ऐसा नहीं होगा, अगर हम बोलेंगे हम विग्रह करेंगे अपने भाव से, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो मुक्त आत्मा है, जो गुरुवर्ग है, ये क्या करते हैं, अपने भाव को वास्तविक रूप में क्या करते हैं ना, हरिगुरु वैष्णव के जो विग्रह को उसको क्या करते हैं, साक्षात रूप में मान लेते हैं। यही तो अंतर है उनमें और हम में, हम उनको बस मूर्ति मान लेते हैं और हमारे लिए मूर्ति ही रह जाते हैं। लेकिन इनके सामने क्या करते हैं, बहुत सारा सेवा उनको साथ ग्रहण आस्वादन कर लेते हैं। ठाकुर जी श्री भक्ति वृंदावन गोस्वामी महाराज जी ने खीर जलने वाला जो प्रसंग है, हम तो कई बार श्रवण किया है। तो इसका जो मूल रहस्य है कि राधा रानी ने उनको स्वयं आके बोल दिया कि तुम्हारे पुजारी मुझे खीर, जला हुआ खीर भोग लगा रहा है। लेकिन पुजारी को बोला नहीं, पुजारी भोग लगाया लेकिन पुजारी को बोला नहीं। क्यों? क्योंकि वो पुजारी बस विग्रह को देख के रह गया, बस मूर्ति मूर्ति मान लिया। लेकिन महाराज जी साक्षात रूप में दर्शन किए, इसीलिए बोले कि प्रभुपाद को कष्ट होगा, अरे तुरंत आओ आरती करेंगे। इनका जो विचार था प्रभुपाद की भावना में, इनका जो सेवानिष्ठ था वो अद्भुत है। और इन्होंने किसी समय पे क्या हुआ ना, जब जयध्वनि देते थे महाराज जी कि इतना अविष्ट हो जाते हैं, इतना अविष्ट हो जाते हैं, जब जयध्वनि देते हैं पूरा हर धाम का जयध्वनि देते हैं। हम तो एक दस मिनट भी जयध्वनि देने के टाइम रुक नहीं पाते, कब खत्म होगा, इतना लंबा जयध्वनि, इतना जयध्वनि देते हैं। उनका नियम था, रोज का नियम था, ये क्या करेंगे, हर दिन क्या करेंगे, राधा रानी का कृपा कटा के स्तोत्र पाठ करेंगे और जयध्वनि देना बैठेंगे तो पूरा जयध्वनि चलेगा। तो एक समय 2015 में पूज्य पाद भक्ति वेदांत जनार्दन महाराज पुरी पे आए हुए थे, तो उनके बारे में कुछ बोल रहे थे कि उनका नाम गोपीकांत प्रभु था। तो महाराज जी उनका सेवा करते थे देवानंद गुड़े में। तो एक समय भक्ति वेदांत जनार्दन बोलते हैं महाराज बस मंगल आरती खत्म हुआ और बैठ के जयध्वनि शुरू कर देंगे, वहां कीर्ति गात की जाए, भक्ति वर्त की जाए, कला की जाए, एक एक करके पूरा वृंदावन नवदीप धाम पूरा का पूरा, कितना टाइम लगेगा, पूरा का पूरा जयध्वनि देना शुरू करें। अब इतने में पूज्य पाद गोपीकांत प्रभु उनके पीछे आ गए, बोले देख रहे महाराज जयध्वनि दे रहे, ये भी बैठ के सर झुका के, जैसे हम लोग प्रणाम करते ना, ये सर झुका के बस जय जय वो बोलने जा रहे हैं, महाराज जी जय 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 बोलने जा रहे, ये भी जय 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 कर जाए। इतने में कॉमर्स देव जब हो गया तो महाराज जी बोले थोड़ा कुछ गोपीकांत प्रभु बता दे, ऐसा कुछ कर दिया फिर भी बन नहीं रहे, तो वहां पर कुछ शब्द कर दे। महाराज जी झटके बोल रहे क्या छे, अरे गोपी तुम कब आए, उनको गोपी गोपी बुला देते, अरे तुम कब आए, तो महाराज बता दे तो ज्यादा समय हुआ ना, एक तो 2 घंटे शुद्ध 2 घंटा बोला तो ज्यादा समय होना, शुद्ध 2 घंटा है। तो बोलते हैं कि महाराज जी ज्यादा समय तो नहीं हुआ, बस 2 घंटा से खड़ा हूँ यहाँ पे। तो इतना उनका जयध्वनि में मतलब पूरा प्रविष्ट था धाम का, हर समय क्या करते ना उनका मतलब धाम में पूर्ण रूप में अभिष्ट रहते थे। और इन्होंने एक समय पे उनका सेवा जो करते थे, उनका सेवक का नाम नीताय प्रभु, तो बस ये प्रसंग है, इनको ये बात बोल के खत्म करूंगा। उनका एक सेवक का नाम नीताय प्रभु है, तो इन्होंने क्या किया कि एक दिन नीताय प्रभु एक मजाक किया करते थे, तो एक दिन हंस हंस के महाराज जी ने बोल दे, बोले नीताय हमें एक कथा बोलूंगा, बोले एक रहस्य कथा बोल रहे हैं कि मैं एक रहस्य बात बोलूंगा तुमको आज, ठीक है महाराज जी बोलो गुरुदेव आप क्या बोलना चाहते हैं। कि देखो जिस समय मैं अप्रकट होऊंगा ना, जिस समय मैं अप्रकट हो जाऊंगा उस समय, और मेरे पास कोई नहीं रहेगा, बस मेरे राधा रानी रहेंगे और मैं रहूंगा। तो नीताय प्रभु बोले तो हो ही नहीं सकता, हम इतने सारे फिरते हैं, मैं तो आपके साथ जरूर ही रुकूंगा, कि जिस समय आप अप्रकट होंगे तो मैं ही तो रुकूंगा ही रुकूंगा, और देख लेना, देख लेंगे महाराज जी, मजाक करते। अब इन्होंने जिस समय इनका अप्रकट तिथि आया, देखो ध्यान से सुनना, जिस समय इनका अप्रकट तिथि आया, ये खड़गपुर वाले मठ में थे, इतने में क्या हुआ कि इनका थोड़ा अस्वस्थ लीला, कभी अस्वस्थ होते भी तो कोई पता नहीं चलता। एक समय पे उनको क्या हुआ ना,
एक समय पे उनको कुछ पुजारी ने रुपया में कुछ गड़बड़ी कर दी, तो महाराज जी को पूरा बहुत तेज का बुखार था, तो महाराज तुरंत उठ के क्या रोसाई करने लगे, और जब रोसाई करने लगे तो क्या हुआ उनमें से उस शरीर का जो दर्द सब छूट गया। ये तो मुक्त जीव का लक्षण होता है, अब हमको बुखार है हम बोल जाएंगे रोसाई करेंगे तो वो बढ़ जाएगा ज्यादा, ऐसा मत करना। तो यहाँ पे क्या होता है महाराज जी का मतलब जो चीज है तो वहां पे क्या अप्रकट अस्वस्थ लीला क्या, तो निताई प्रभु बोलते हैं कि आपने तो कभी अस्वस्थ लीला किए ही नहीं, और अस्वस्थ होते हैं तो कभी मेडिसिन लेते नहीं, हस्त में ठाकुर का चरणामृत लेते हैं और आप ठीक हो जाते हैं, आप बोल रहे अभी अस्वस्थ है तो ठीक है आप तुम जाओ एक मेडिसिन ले आओ डॉक्टर को बुला के लाओ। तो वो नहीं जाने वाले थे निताई प्रभु, अंतिम समय में तो वो पुजारी को बुला दे और बोले कि पुजारी तुम देखते रहना गुरुदेव के साथ ही रहना, एक समय भी गुरुदेव को छोड़ के मत जाना। अब क्या करेंगे गुरुदेव जिस समय भी जो चीज को तुमको मांगेंगे उस समय तुरंत ही वहीं पे ही उपस्थित रहना, उनको ही वही चीज को प्रदान करना। उनके हाथ में पानी दे दिया और पुजारी को रुकवा के निताई प्रभु चले गए। अब जब डॉक्टर को लेके आए तो इतने में पुजारी सोच रहा है, महाराज जी का हर दिन का नियम था कि हर दिन उनको क्या होता है ना राधा रंग का प्रसादी माला, मंगल आरती के बाद पुजारी क्या करता है जहां पे भी महाराज जी रहते हैं राधा रानी का प्रसादी माला पहन देते थे। एक बार महाराज जी ने चैतन्य गोड़े मठ में आए थे तो उनको प्रसादी माला नहीं मिला, तो ऐसा भी प्रसंग है तो डस्टबिन से उठा के पहन ली, पूरे नामी से बंदे में से उठा के पहन ली, क्योंकि ये तो राधा रानी का प्रसादी माला है, साक्षात राधा रानी का कृपा है। तो यहाँ पे बहुत बहुत चीज उनका शिक्षा में मिलता है। तो वहां पे पुजारी क्या किया राधा रानी का प्रसादी माला लिया और महाराज जी के गले में दे दिया, जय महाराज जी के गले में दे दिया और तुरंत अप्रकट हो गए। जैसे ही महाराज जी के गले में दे दिया तुरंत महाराज जी अप्रकट हो गए। अब पुजारी बाहर चला गया थोड़े देर के लिए, तो जब निताई प्रभु आए अरे पुजारी की करते तुम्हें गुरुदेव को था, बोले पुजारी तुम कहाँ हो गुरुदेव कहाँ है, बोले अभी अभी तो गुरुदेव को मैंने प्रसादी माला दे के आया बस हाथ धोने जा रहा था। अच्छा ठीक है तो चलो गुरुदेव के पास, तो जाके जब देखा कि महाराज जी एक ज्वर नहीं हो ज्वर खाए थे मेडिसिन नहीं हो, तो बोले महाराज जी आप मेडिसिन ले लो डॉक्टर आ चुका है, तो महाराज जी ने सुना तो महाराज जी प्रकट हो। तो महाराज जी वो अंतिम समय में जो बोले थे कि अंतिम समय में क्या होगा ना मैं और मेरे राधा रानी ही रहेंगे अंतिम समय, वास्तव में वही हुआ वो और उनका राधा रानी ही वास्तव में रहे। तो ये जो चीज है उनके जीवन में बहुत सारे शिक्षा मूलक चीज दिखाई देता है। हमारे गुरुदेव ने भी आर्टिकल्स में उनको बहुत सारा चीज को ये बात को बताया भागवत पत्रिका में। अब जो गुरुवर्ग होते हैं जो विशेष जानने वाला चीज है जो गुरुवर्ग होते हैं वो क्या ना जो गुरुवर्ग क्या करते हैं ना शास्त्र को जो सिद्धांतों को जो सार को अपने जीवन में इसी मात्रा में सरलता रूप में आचरण कर लेते हैं हमको शिक्षा देने के लिए कि हम उसको क्या करेंगे अगर ग्रहण कर ले तो हमारा पता नहीं क्या होगा, उनके सच में गुरु वैष्णव का चरण में हमारा शरणागति हो जाएगा, सच में हम भी उसको उपाद को अनुभव कर सकते हैं, ये बात गुरुदेव बताया करते थे। तो उनके जीवन चरित्र में जो जो हर कभी भी वो मजाक मजाक में कुछ ना कुछ बता देते थे, लेकिन कुछ ना कुछ उसी के बीच में बहुत सारे सिद्धांत थे, तो उसको अगर अच्छे से प्रवेश करेंगे तो उसमें ही कुछ ना कुछ सिद्धांत होगा। अब महाराज जी को थोड़ी ना पता था, महाराज जी तो मजाक करके बोल रहे थे कि मैं अंतिम समय मैं और राधा रानी रुकेंगे, बस ये लोग मजाक करके ले लिए थे, लेकिन वो जो मजाक किए थे वास्तविक जो शिष्य है उसमें क्या करते हैं प्रवेश जब करेगा, क्योंकि जो बद्ध जीव है वो तो कुछ ना कुछ करेंगे उसके क्रिया में क्या होता है कुछ वैल्यू ही नहीं है, लेकिन मुक्त जीव जो है जो गुरुवर्ग है उनके प्रत्येक क्रिया में कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर रहता है, चाहे वो क्रोध कर ले चाहे वो हंसी मजाक कर ले कुछ ना कुछ, लेकिन हमको उनको कंपेयर नहीं करना चाहिए। हमारे गुरुदेव तो ये करते हैं उनके गुरुदेव वो बहुत तो द्वेष देखते हैं हमारे गुरुदेव ये देखते हैं, ये सब वैष्णव जगत में बहुत मारात्मक है। अब और एक बात मैं बताना चाहता हूँ मेरे खुद की बात है कि एक समय पे पूज्यपाद भक्ति वेदांत भक्ति जीवन आचार्य गोस्वामी महाराज जी और आए हुए थे, तो उन्होंने मैंने पूछा कि उन्होंने महाराज जी का बहुत सुन किया था, तो मैंने पूछा कि महाराज जी आप कुछ बताओ पूज्यपाद भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज के बारे में, तो बोलना शुरू किए ये 2017 में बात है, तो बोलना शुरू किए। जब उन्होंने बोलना शुरू किए तो सब कुछ बता दिया महाराज जी के बारे में, ये करते थे गुरुदेव ऐसा करते थे गुरुदेव ऐसा करते थे ऐसे सेवा करते थे, सब कुछ बताने के बाद मैंने पूछा
हमारे आरती गीत में लिखा है कि कोई निताई प्रभु का नाम का कोई है ना, कोई निताई प्रभु का नाम का कोई है जो उनका सेवा करता था अंतिम समय में महाराज जी ऐसे बोलते थे। तो महाराज जी रोने लगे, बोले आम ही होता निताई, आम ही होता निताई। महाराज जी पूरा रोने लगे, पूरा सब लोग देख लगे, पूरा वहां पे पूजे पास परिवार महाराज जी थे, वो भी थे, बोले क्या पूछ रहे हो। महाराज जी बोले आम ही होता निताई, मैं ही वही निताई हूँ जो गुरुदेव ने बोले। पूरा कूद कूद के रोने लगे, खुद देखा। तो ऐसे जिस प्रकार का विरह है, ये बात को भी जब वैष्णव लोग श्रवण करते हैं कि पठन करते हैं ये चरित्र को, और क्या करते हैं ना, रो देते हैं, तो वास्तव में उनको ही उतने मात्रा में प्रवेश है। जैसे हमने बहुत बार वैष्णव से देखा कि कोई पुतना उधर पुतना वध का लीला भागवत जी में पढ़े और रो दिया, हम तो बहुत बार पढ़े, कुछ हुआ नहीं। हमारे ही कुछ अनुभूति में बता रहा हूँ कि एक समय गुरुदेव नोएडा में थे, 2 साल पहले, तो पूज्य पाठ परम गुरुदेव के शिष्य में एक प्रसंग आया था, छोटा सा प्रसंग, कि उसमें गुरुदेव परम गुरुदेव को कैसे अपने माता जी क्या करते हैं डंडा लेकर उनके पीछे भागते, तो ये बात सुन के भी गुरुदेव भाव में आ गए थे। मैंने सोचा कि उसमें क्या होगा, फिर उसको देखा मैंने बार बार 10 बार पढ़े, कुछ हुआ ही नहीं। तो वास्तव में क्या होता है, जो छोटे छोटे भी लीला होते हैं उनमें गुरुवर इतना प्रवेश हो जाते हैं, उनका जो भाव वास्तव में हो उसको हम कैसे समझ पाएंगे, जब हम गुरु वैष्णव के विरह तिथि में उनके चरित्र को श्रवण करके, उनके आचार विचार को श्रवण करके क्या करेंगे हम, उसमें प्रतिष्ठित होने के लिए, उसको प्रयास करने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए क्या करेंगे ना, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ा सा वर्ष ही करेंगे, तब जाके क्या होगा ना, वो वास्तविक विरह हमारे हृदय में प्रकाशित होगा, जो गुरु वैष्णव का वास्तविक जो भाव है, जो गुरु वैष्णव का वास्तविक मनोविष्ट है, उसको हम क्या करेंगे विशेष रूप में जान पाएंगे। तो आज श्री महाराज जी का तिथि है और हम उनके चरण में, आज उनका विरह तिथि है और 7 दिन के बाद ही उनका क्या हुआ आविर्भाव तिथि भी है, ये एक लीला के है, अभी तो समय नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रसंग है। महाराज जी खुद भी बोल दिया था कि मैं 7 दिन के बाद ही अपलोक, मतलब पूर्व ही अपलोक, ऐसा कुछ है। तो हम उनके चरण में प्रणाम करते हैं, हम उनके चरण में प्रणाम करके यही प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार में उन्होंने गुरु वैष्णव के वास्तव में सेवा किया और जिस प्रकार में उन्होंने गुरु वैष्णव के वास्तविक जो भाव में प्रवेश करके उनके मनोविष्ट तक सेवा करने का जो कोशिश किया, पर उन्होंने किया भी उसी मात्रा में, हमारे हृदय में भी वो कभी नित्य धाम से क्या करेगा प्रकाशित करे, यही वाचनिक पुष्पांजलि के साथ उनके चरणों में और गुरुदेव के चरणों में। भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज की जय। हाँ देखो, ये जो महाराज जी है, जब मैं मथुरा में रहता था तब महाराज जी आते थे मथुरा मठ में, जब नवद्वीप परिक्रमा आता था महाराज नवद्वीप परिक्रमा में भी आते थे, इसलिए महाराज हर समय हाँ वृषभ हाँ नंदिनी हाँ ईश्वरी जो हाँ श्रीमती राधा रानी, हर समय ये राधा रानी की, विशेष करके ये राधा रानी की बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुनाया करते थे। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, राधा पद छाड़ी जय जन सृजन जय भाव से भाव ठाके, आमित राधिका पक्ष पति सदा प्रभु नानी हरि चके। ये भक्ति विनोद ठाकुर भाव है, भक्ति विनोद ठाकुर श्री रूपानुग गौड़ीय वैष्णव, रूपानुग गौड़ीय वैष्णव मतलब होता है जो केवल राधा रानी पक्ष में ही रहे हैं, राधा रानी की सुख में सुखी और राधा रानी की दुख में जो दुखी बने कहती है रूपानुग। इसलिए महाराज कहते थे भले जो जिसको भजन कर राधा रानी को छोड़ देते, हम तो हर समय श्री राधा रानी को ही पक्ष में पक्ष लेने वाले हैं। इसलिए महाराज का जो आविष्टता था, जब मथुरा में रहते थे महाराज आते थे, सब हम बच्चों को बैठा करके बड़े सुंदर 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 कथा सुनाया करते थे, और विशेष करके महाराज जी इतने आविष्टता, महाराज जी था इतने आविष्टता हर समय, कितने उनको स्तुति स्तव याद था, इतने पूरा समझ ग्रंथ गोवर्धन अष्टक ललिता अष्टक राधा ललिता अष्टक राधा कुंड अष्टक राधा कुंड अष्टक राधा श्याम कुंड अष्टक, पता नहीं कितना की श्लोक याद था, कितने आविष्टता थे। जैसे हम सुनते हैं ना गोस्वामी लोग कैसा अपना जीवन बिताया करते थे, इसलिए सचमुच से प्रभुपाद का जो गण है उनका जीवन अद्भुत है।
जैसे गोस्वामी लोग फिर संख्या पूर्वक नाम दान नति भी ताला वसा निकलत निद्रा आहार विहारकाजित राधा कृष्ण गुण स्मृति नम धुरीमान सन्मित वंदे रूप सनातन रघुयुग श्री जीव गोपाल क्या ये भजन पद्धति संख्या पूर्वक नाम करना कैसे नाम करना संख्या पूर्वक ऐसे नहीं आज इच्छा हो गया थोड़ा माला पकड़ लिया कल माला कहाँ बताई और नियम ही प्रसाद पाने से पहले बगैर माला से भोजन नहीं करनी चाहिए है बगैर हरिनाम किए हुए है भोजन कभी नहीं करनी चाहिए अपना हरिनाम कुछ करके फिर भोजन करनी चाहिए कम से कम हो सके तो अगर संख्या माला रखे जैसे गुरुदेव भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज हम देखते थे जब तक वो अपना फिक्स नंबर माला पूरी नहीं कर लेते ना वो भोजन नहीं करते थे इसलिए कहते कलयुग का जीव कैसे है कहते भजन में आलिस और भोजन के होशियार भजन के आलिस और भोजन के होशियार है इसलिए प्रसाद आए तो ऐसे नहीं प्राप्ति मात्र वो प्रसाद आते ही विलम्ब नहीं करनी चाहिए चलो क्यों महाप्रसाद अनादर हो जाएगा नहीं इसलिए महाप्रभु जब महाप्रसाद लेकर के हरिदास ठाकुर जी के पास में आए हरिदास ठाकुर बोले प्रभु आज मैं प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता बोले क्यों बोले मेरी संख्या माला अभी पूरी नहीं हुई संख्या माला पूरी नहीं हुई महाप्रभु बोले हैं बोले तुम तो वृद्ध हो गए हो हैं तीन तीन लाख को पूरी हरिनाम 3 लाख माला पूरी करके तब हरि तब ग्रहण करते थे बोले तुम तो वृद्ध हो गए थोड़ा माला तो कम करो देखो कितनी अच्छी बात कहते बोले प्रभु शरीर मेरा सुस्त है असुस्त बुद्धिमान शरीर तो मेरा सुस्त है लेकिन जो मन है ना ये बड़ा दुष्ट है ये मन बड़ा दुष्ट कोई दूसरे चीज के लिए तो पहले बैठा रहता है लेकिन जब भजन की बात आए ना बस आलिस तकियाला नींद आ रही तकियाला नींद आ रही बोले नहीं देखो हमको कुछ नियम रखनी चाहिए इसलिए हम लोग देखते थे ये संतों का अंदर नियम था इतने माला नहीं करेंगे तो भजन नहीं करेंगे जब तक तो कोई निष्ठा नियम नहीं होगा ना भक्ति में अब आगे नहीं बढ़ सकते ऐसे जीवन चलेगा बीतेगा लेकिन आगे हम बढ़ नहीं सकते इसलिए कुछ निश्चित रूप में कुछ नियम करो हैं इतने माला करके ही हम रोज प्रसाद पाएंगे कुछ तो निष्ठा होनी चाहिए ना भगवान के प्रति इसलिए इनका जीवन में हम देखते थे बैठ करके स्तुति कर रहे तो स्तुति कर ही रहे हैं स्तुति कर रहे तो स्तुति कर रहे लगा एक घंटा दो दो घंटा बैठ करके आवेश में बैठ करके स्तुति स्तुति कर रहे और इनका एक समय गाड़ी में ब्रजमंडल परिक्रमा करने के लिए गए थे वो इतने अभिष्ट थे जैसे सामने बैठे हुए थे मेसनी के पास में उनको जो कर मेसनी के पास तो गरीबी होता है ना उनको प्यार वहाँ पर था लेकिन वो आवेश थे स्तुति कर रहे स्तुति कर उनको प्यार कहाँ चले गया उनको पता नहीं बड़ा जब मंदिर में आए देखा उनको प्यार जला उनको भान ही नहीं क्योंकि इतने भक्ति में वो इतने आवेशता रहते थे भक्ति में और ये विशेष करके कहते जो भ्रमर की है जब उद्धव की आर में उद्धव कुंड में गिरिराज परिक्रमा हो रही थी उद्धव कुंड में इनको वहीं पर हमारे भक्ति वेदन नारायण गोस्वामी महाराज बोले महाराज अपनी कुछ कथा वो उन्होंने ब्रज गोपियों की कथा को जो कथा बोलते ना आँख खोल करके नहीं आँख बंद करके कोई सुनना ही नहीं सरस में कोई ध्यान नहीं आँख बंद करके एकदम आविष्ट होकर के कथा बोलते थे आविष्ट होकर के बोलते जा रहे तो एकदम पूरा आविष्ट होकर के इसमें क्या वहाँ पर त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज थे अभी थोड़ा लेट हो रहा था कि परिक्रमा करना पड़ेगा ना अभी तो हम वहाँ पर बैठे परिक्रमा फिर आधा घंटा आएगा शाम खंड आएगा पूरा परिक्रमा थोड़ा लेट हो रहा था इतने में त्रिविक्रम महाराज बीच में थोड़े से बोल दिए बोले महाराज लेट हो रहा है महाराज जी लेट हो रहा है अभी हमको पूरा परिक्रमा लेकिन महाराज जब करते थे आँख बंद करके बोलते जा रहे थे तब उन्होंने बीच में बोले टाइम हो गया जनार्दन महाराज ना इतने नाराज हो गए इतने दुखी हो गए बोले हरी कथा बीच में बंद कैसे हो गए बीच में हरी कथा कैसे बंद हो गया हमारे बीच में है उतना असंतुष्ट हो गए नाराज हो गए बात मतलब हरी कथा में भगवत जो राधा रानी की जो चिंतन में ऐसे डूबे रहते थे महाराज ऐसे डूबे रहते थे इसलिए हमारे श्री बामन गोस्वामी महाराज के साथ में
इनकी बड़ी मित्रता थी, हैं बड़ी मित्रता थी इनके साथ में, इसलिए इसलिए कोई इनको कुछ पैसा की जरूरत था कि हमारे भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज किस चीज में कुछ पैसा की जरूरत था, मतलब इनके हृदय की इतनी इतना हृदय की घनिष्ठता थी, तब बावन गोस्वामी महाराज जब जब कोई इच्छा होता था उनको लेकर पैसा को जरूरत हो लेकर देते थे, उनके पास सेवक नहीं थे, जिसका आचार्य जी महाराज जो हुए निताई बोलो बाद में इन्होंने ही एक सेवक दिए, बोले महाराज जी आपका कोई सेवक नहीं, ये सेवक को आप लोग अपना पास में सेवा करो, इसलिए कहते प्रभुपाद का जो गढ़ लोग होते ना जो प्रभुपाद जैसे महाप्रभु अपना परिकरों के साथ में आए थे, उसी तरह प्रभुपाद भी श्री नयन मणि मंजरी राधारणी कहती है नयन मणि मंजरी जाओ ये जीवों का उद्धार करो, लेकिन अकेले मत जाओ तुम अपना घर को साथ में जाओ, इसलिए सचमुच से प्रभुपाद ने अपना गण को साथ में आते थे, प्रभुपाद कोई भी उनका कोई शिष्य है अगर हम सुन लेते हैं ना किसका शिष्य है, बोले भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद शिष्य, फिर नाम सुनते सर झुक जाता है, नाम सुनते प्रभुपाद का शिष्य है साक्षात नहीं मणि मंजे राधारण की निजता नहीं है, इसलिए इनका जितने शिष्य लोग है इन लोगों का जो जीवन चरित्र अद्भुत अद्भुत इनकी जीवन चरित्र आज इनकी तिरोहा तिथि है, इसलिए ये हम सबको भर में आशीर्वाद करें, सबको भर में कृपा करे, इनकी जैसे भजन में अभिष्टता है भजन में जैसे उत्कंठा इनके अंदर में हमारे अंदर में भी एक बूंद अगर हमारे जीवन में आ गया तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। बोले श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज की जय। इकाई गौर प्रेमानंद तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव ओम नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज और भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ, आप सभी वैष्णव वैष्णवियों को बार बार प्रणाम करता हूँ। अभी हमारे श्री श्यामानंद प्रभु जी जो श्री महाराज जी हैं उनका बहुत सुंदर जो चरित्र है वो बताया, तो मैंने सोचा कि चलो वहां बैठे बैठे कुछ एक भाव तो लिख लूं, तो इसलिए केवल एक पंक्ति ही उनके विषय में मैंने लिखी है वहीं बैठे बैठे, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आज इनका जो है तिरुभाव है, तो श्री भगवान और श्री गुरुदेव की कृपा से एक पंक्ति मैं भी सुना देता हूँ। ऐसे प्रभु पाद के पार्षद प्यारे, ऐसे प्रभु पाद के पार्षद प्यारे, भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी पाद, जनार्दन गोस्वामी पाद, भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी पाद, ऐसे प्रभु पाद के पार्षद प्यारे, गोवन गौवन सोति प्रेम गाधा, हरि नाम ता जीवन साधा, अति निष्ठा नहीं हो उन्मादा, हरि नाम में निष्ठा उन्माद रहित और गौवन के प्रति अति प्रेम, श्री राधा रानी के प्रति अति प्रेम, इसलिए अति निष्ठा नहीं हो उन्मादा, तो ऐसे वैष्णव करे सबन को पावन पूर्ण महान, हाँ ऐसे वैष्णव करे सबन को पावन पूर्ण महान, ऐसे प्रभु पाद के पार्षद प्यारे, भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी पाद, बस यही बना पाया वहां बैठे बैठे। देखिए कल जो रासलीला के लिए जो चल रहा था कॉन्सेप्ट उसको हम लोग कल ही श्रवण करेंगे, क्योंकि आज समय भी बहुत हो चुका, बस मुझे एक पुष्पांजलि देनी थी, यद्यपि आज दूसरा चैप्टर में
बोलना चाह रहा था पर बहुत देर हो गई, इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ वांछा कर पत्र विषय के दास के तत्काल बावने में वैष्णव हरे कृष्ण हरि बोल। ओम अज्ञातिर्विरामदस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वतः मेरे गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सिद्ध श्री 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 मधुभक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सिद्ध श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजुग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। देखो आज एक वैष्णव का तिरुभाव है, आज मेरे एक गुरु भाई थे, आज भी उनका तिरुभाव थे। तिरुभाव मतलब आज आज ही उन्होंने से कलकत्ता हमारे गुरु जी के माटे में उन्होंने शरीर छोड़े हैं, जिनका नाम था श्री नृसिंहानंद प्रभु। कहते हैं जो नृसिंहानंद प्रभु थे ये मेरे को तो बहुत प्यार करते थे। जब जब मैं कलकत्ता जाता था एक ही दीदी को घर में, वहाँ से बड़े सुंदर बंगाल का जो गामछा है ना वो लेकर के आते थे, बड़े सुंदर बंगाल का गामछा। और जो बंगाल का जो साथी होता है ना बड़ा बड़ा होता है। हाँ हमारे साथ में चार पांच जितने हम वैष्णव होते थे, पिछली बार हम लोग गए थे मेरे साथ में कौन ये थे और चिराग था वो बच्चा था, इसलिए ये सभी के लिए उन्होंने जितने वैष्णव थे सभी के लिए उन्होंने साफी लाते थे। और मेरे लिए वहाँ के एक चिड़वा होता है और एक चना चुड़ होता है और मेरे लिए लाते थे और मेरे को देख कर जाते थे। मेरे को बड़ी बड़ी मेरे को प्यार करते थे। और जो रसोईया है ना इतने सुंदर वो रसोई बनाते थे, जो सोच भी नहीं सकते इतने बढ़िया रसोईया में हमारे मंदिर में वो एक नंबर का रसोई रसोईया थे। इतना सुंदर आलूदम बनाते थे, खिचड़ी क्या बनाते थे आप आंगुल चाट चाट कर खा लाओगे। इसलिए आलू चाप आलू की चाप और वेजिटेबल चाप एक बनाते थे और रसोई में वो एक्सपर्ट थे, रसोई में बहुत सुंदर। इसलिए गुरु जी भी उनको ऊपर में रसोई है, उनको ऊपर में गुरुदेव भी उनको ऊपर बहुत उनको ऊपर बहुत उनको ऊपर प्रसन्न थे। उनके अंदर जो सेवा की भावना थी ना आप सोच भी नहीं सकते। कलकत्ता से जगन्नाथ जी के लिए हैं इसी समय एक सुंदर फूल होता है सफेद रंग का, इतना बड़े बड़े फूल उसको ले करके आते थे कहाँ पर जगन्नाथपुरी में। और एक चंपा फूल होता है राधा रानी का शरीर का जैसे रंग है वो पुष्प का रंग भी ऐसे, एक फूल यहाँ रख लोगे ना पूरा यहाँ खुशबू खुशबू में पूरा ये मंदिर सुगंधित हो जाएगा। उसको कभी कभी प्लेन में लेट खराब नहीं हो जाए प्लेन में वो फूल को लेकर के नवद किए कलकत्ता से लेकर के आते थे जगन्नाथपुरी और श्री जगन्नाथ जी को ये पहनाया करते थे। अभी मेरे को दो दिन पहले उनके साथ में बात हुई है, दो दिन पहले वो मेरे को बोल रहे थे महाराज जी मेरे एक इच्छा पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि जब जगन्नाथपुरी आते थे ना ठाकुर जी के लिए बड़े सुंदर उनका जो कपड़ा होता है पाट विशेष है वो जो कपड़ा उसको लेकर के जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के लिए आते थे। बोले वो अभी लॉकडाउन वजह से मैं जगन्नाथपुरी नहीं जा पाया नहीं देख पाए, मेरे को बोलते थे मैं ये स्थान पर रखा हुआ है कपड़ा है इसको लेकर के आप जगन्नाथ जी दक्षिणा में रखा हुआ पंडों के लिए ये कपड़े लेकर के जगन्नाथ जी को सेवा में दे देना। मेरे को इस बात दो दिन पहले उन्होंने ये बात मेरे को बोले हैं, जब जब आते थे कलकत्ता से जगन्नाथपुरी तरह तरह का फल लेकर के आते थे। हम गुरुदेव रहते समय हमारे गुरुदेव भी यही करते थे, जब कलकत्ता से पुरी आते थे वहाँ के सुंदर सुंदर फल वहाँ से लेकर आते थे, अच्छे से सब्जी ला कर आते थे। पहले क्या करते थे जैसे श्री महाप्रभु का भक्त लोग बंगाल से जब जगन्नाथपुरी आते थे महाप्रभु का जो प्रिय वस्तु लेकर के आते थे। जैसे हम किसी व्यक्ति को बहुत प्यार करते हैं, अगर किसी दोस्त
नहीं तो किसी बंधु के घर बांधवों के घर में जाते हैं, खाली हाथ में थोड़ी जाते हैं, उनके लिए कुछ मिठाई लेकर जाते हैं, किसके लिए कोई कपड़ा लता लेकर के जाते हैं। कभी ये प्रीति का लक्षण है, ये प्रीति का लक्षण है। ददाति प्रतिगृहणाति भुक्त भूय माख्याति पृच्छति भुक्ते भजयते चैव सर्वविद प्रीति लक्षण। ये छह तरह का प्रीति लक्षण है, इसलिए आप जिसको प्रीति करोगे उसके लिए जरूर देकर के जाओगे। इसलिए महाप्रभु का भक्त लोग कलकत्ता से आते थे, नवद्वीप से। उस समय कोई ट्रेन बस नहीं था, जंगल का रास्ता महीना महीना लगता था, घना घोर जंगल होते हुए आते थे। लेकिन अपना सर को पर रख करके महाप्रभु को, ये प्यारा चीज है, महाप्रभु उसको बहुत पसंद करते हैं। जब लेकर के जाएंगे महाप्रभु देख करके बड़े खुश होंगे, इतना दूर से मेरे लिए लेकर के आए। इसलिए हमारे मेरे गुरुदेव जब कलकत्ता से पुरी जाते थे ना, बड़े सुंदर फल सब्जी लाते थे, ला करके पहले तोटा गोपीनाथ जगन्नाथपुरी गए हो? कौन कौन जगन्नाथपुरी गए? एक दो तीन, कौन जाना चाहते हो? हाथ उठाओ, सबको ले जाएंगे। इसे एक बार रथ यात्रा में ले जाएंगे। वहां पर जो तोटा गोपीनाथ महाप्रभु जिन ठाकुर को प्रकाशित किया है महाप्रभु, है मिट्टी खोदते खोदते ठाकुर जी को प्रकाशित किया। सब जगह में देखोगे ठाकुर जी खड़े हुए, लेकिन पृथ्वी में केवल एक जगह में देखोगे ठाकुर जी बैठे हुए, और पद्मासन करके महाप्रभु कृष्ण बैठे हुए। इनकी जगह में ही महाप्रभु अंतिम समय में उनका शरीर में प्रवेश किया, अभी वहां पर चिन्ह है, हैं? एकदम पद्मासन करके बैठे हुए एक ठाकुर जी। क्यों? ठाकुर जी को केवल उनने सेवा को ग्रहण करने के लिए उन्होंने ऐसे केवल उन्होंने बैठ ही गए। तो उनके लिए कबीरा जहाँ पर महाप्रभु 18 साल तक रहे, हरिदास ठाकुर का समाधि है पास में, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन स्थली है, श्री जगदानंद पंडित का भजन स्थली, जगन्नाथ का मंदिर। गुरुदेव क्या करते थे, उनका जब प्रीति हमें देखा, सारी चीज के लिए अलग निकाले, ये गंभीरा के लिए, हरिदास ठाकुर समाधि के लिए, तोटा गोपीनाथ के लिए, सबको भेजेंगे, जाओ तुम यहाँ देख करके आओ, वहां पर वहां पर देख करके आओ, सब जगह भेज करके अभी ले जाएगा अपना मंदिर के लिए। लेकिन लास्ट में जो रखेंगे ना, ये हमारे मंदिर के लिए, और सब अच्छे अच्छे सब निकाल निकाल कर दे देंगे। इसलिए मैं भी जब जाता हूँ कभी कभी जगन्नाथपुरी में, देखा हमारे गुरु जी करते थे, फिर मैं भी मंदिर मंदिर में जब जाता हूँ, कहते हैं हमारे प्रेमचंद यहाँ बैठे, रथ यात्रा में जा रहा था, मैं देखा हमारे गुरु जी ये सब करते थे, गुरु जी करते थे। मैंने प्रेमचंद प्रभु बोला यहाँ से, क्योंकि यहाँ तो दशहरी जो सोशाम उधर तो मिलता नहीं, मैंने कहा हम कुछ इच्छा है जगन्नाथपुरी हम जा रहे हैं, मंदिर मंदिर देखे प्रभु जी एकदम बड़ा बढ़िया, इतना बड़ा पेटी एकदम बढ़िया बढ़िया आप प्रभु जी खरीद करके ले आए, और खरीद करके ले आए, बोले महाराज जी आप इसको ले जाओ, और मैं ले करके ना इन्होंने इनकी दिया हुआ आप जितने मंदिर मंदिर में जब गया दर्शन करने के लिए, हर मंदिर मंदिर में हमने ये आम को हमने हर मंदिर मंदिर। इसलिए ये हमारे नृसिंह आनंद प्रभु भी, अभी तो गुरुदेव चले जाने के बाद, फिर ये भी जब आते थे ये सब चीज को लेकर फूल लेकर आते थे, वो फूल को इस मंदिर में हरिदास ठाकुर तोटा गोपीनाथ सब मंदिर में फूल फल को ये भेजते थे। मतलब इनके अंदर में सेवा की भावना, बड़ी सुंदर सेवा की भावना थी, और इतने कुछ भी लेखा बड़ा नहीं थे, इतना हरिकथा भी इतना अच्छा नहीं जानते थे, लेकिन ये जो प्रसाद बनाते थे ना लोगों को, और वहां पर जो मीठा चावल, कितना सुंदर मीठा चावल, इतने सुंदर मीठा चावल, और एक आलूदम बाद भोके का सब्जी है, इसको ये सब्जी बनाते, फिर लोगों को खिला खिला करके पागल बना देते थे, हैं? लोगों को खिला दो ना बस, ये ऐसे लोग को प्रसाद दे दो ना, लोग संतुष्ट हो जाते। उनने केवल दूसरों को प्रसाद खिला खिला करके वो करते थे। लोग वहां पर जो भक्त लोग थे, पूरा के पूरा साल भर का जो मंदिर के जो मसाला पाती जीरा जितना है, एक एक पूरा साल साल भर के दे देते उनको, और केवल उतना केवल वहां तक करते थे। फिर नवद्वीप मठ और पुरी मठ के लिए भी जब आते थे लेकर के, वहीं से जगन्नाथपुरी से आएंगे भक्त लोग, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में आएंगे, वहीं से मसाला पाती काजू किशमिश सब लेकर के आएंगे, वहां पर प्रसाद होगा, सब भक्त लोग पाएंगे, वहीं से ही लेकर। इसलिए इनके अंदर में जो सेवा की जो वृत्ति ना अद्भुत। दो दिन पहले मैंने कथा किया, देखो आज कैसे अप्रगट हुए। सवेरे प्रसाद पाए, प्रसाद पा करके विश्राम किए, जब विश्राम कर रहे थे तब उसी समय में अभी दोपहर का प्रसाद पाएंगे, वो उनको शायद शुगर का ही रोग था, उन्होंने विश्राम कर रहे थे, जब दोपहर का प्रसाद पाएंगे उनको बुलाने के लिए गई तो देखा सारे छोड़ दिए,
इसलिए हमारे भागवत में कहते हैं अनायसन मरणम बिना दैनन जीवनम अना आराधित गोविंद भजनम कथम स्यात्। इसका मतलब है जो अनायास में आनंद पूर्वक जीवन बीतना और आनंद पूर्वक जो प्राण छोड़ना कैसे हो सकता है, पहले अनाराधित गोविंद चरणम कथम स्यात्। मतलब जब तक तो कोई भगवान के निष्कपट रूप में भजन नहीं करता है उसका जीवन भी आसानी में नहीं बीतेगी, उसका मृत्यु भी आसानी में नहीं जाएगा। इसलिए उसी व्यक्ति का जीवन आसानी से जाएगा भी, आनंद से प्राण भी छूटेगा जो भगवान की भक्ति करेंगे। इसलिए कि जो प्रभु जी मेरे को बहुत बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे, हैं मेरे को क्या पूछ रहे थे जानते हैं, मैंने कुछ दिन पहले बताया था हम लोग बड़ौदा में एक जगह लेने के लिए कोशिश कर रहे, अभी तो हम लोग गौशाला के ऊपर में मंदिर है, इसलिए हम एक जगह लेने के लिए हम कोशिश कर रहे, वहीं पर मंदिर जब बुलाएंगे आपको हम बुलाएंगे। उन्होंने बोल रहे थे मैं आऊंगा, उन्होंने बोले थे मैं आऊंगा, हाँ बोले थे मैं आऊंगा वहाँ पर, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, हैं जब कलकत्ता था जरूर मेरे से मिलने के लिए, किसी ना किसी तरह से मेरे को मिलने आते थे, हम कथा में बैठते थे। पिछली बार जब गए थे किसी गए थे वो जो प्रभु जी कीर्तन कर रहे थे हमारे पास में बैठे करती बहुत दृष्टि ज्ञान था प्रभु जी, इसलिए मैंने कहा प्रभु जी दो दिन पहले बोला प्रभु जी ये जगह को हम लेने के लिए अभी कोर्ट में कागज अप्लाई किया है, जल्दी से जल्दी होने वाला, बोले जब हो जाएगा मैं आऊँगा। हाँ मैंने ये बात मेरे को दो दिन पहले की बात बोले थे, और आज जब हम कीर्तन करने के लिए गए थे ये हमारे जनार्दन प्रभु के पास मैसा से बात किया है, ऐसे उन्होंने शरीर छोड़ दिया, फिर उन्होंने बताया नृसिंहानंद प्रभु शरीर छोड़ दिया, मैं तो सुन करके अक्के उड़के चक्के रह गया, कैसे कैसे है, मैं दो दिन पहले बात किया, पहले प्रसाद पाकर विश्राम किया, जब दूसरे बार प्रसाद पाने के लिए उनको बुलाए देखा शरीर छोड़े हुए। इसलिए ये जैसे गुरु वैष्णव की सेवा उन्होंने की, हम सबको पर उन्होंने आशीर्वाद करे, हम भी ऐसे ठाकुर को जो सेवा है, देखो ठाकुर को जो जितने सेवा करेगा ना उसको ऊपर में ठाकुर का इतना मेवा होता है, जो जितना सेवा करेगा उसको ऊपर मेवा उसका मिलता है। इसलिए कहते हैं ना भगवान खुद कहते हैं वश्य कुर्वन्ति माम भक्त्या सत्पत्नीम सत्पतिम यथा, जैसे एक पतिव्रता स्त्री पति की सेवा करते 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 पति को वशीभूत कर देता है, और पति देखना दिन भर काम करता पैसा कमाएगा, लेकिन पैसा लाने किस पर पत्नी का हाथ तू ले, घर संसार तू ही देख, संसार को तू देखी हो, वो सेवा करती है, वो भी सेवा करती है। अगर पति अगर 100 रुपया मांगेंगे तो पत्नी बोले 100 रुपया क्या होगा, इतने पैसे क्यों मांग रहे, बोले ये करें, बोले 50 रुपया भेज लो 50 रुपया कमाएगा पति, कमा कर पत्नी को देखा, लेकिन जब उससे पैसा मांगा ना 1000 रुपया देना पड़ता है, काम ही किया सेवा करती, केवल ये सेवा की ये महत्व है। इसलिए ये हम सबको पर भी कृपा करें, जैसे इनका इनका जैसे भावना सेवा के प्रति में कभी कभी देख देख बड़ा आश्चर्य, कितना सेवा है ठाकुर के लिए, हम फूल ले जा रहे हैं जगन्नाथ जी के लिए, फल ले जा रहे हैं, बहुत सेवा भावना बहुत सेवा भावना। इसलिए जिनको जिन लोगों ने देखा है इनको ये पता है वैसे नृसिंहानंद प्रभु की भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज की जय। इसलिए गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, ये देवता लोग भगवान को स्तुति कर रहे हैं, स्तुति करते करते कहते हैं प्रभु न तथा मैं माधव ताप का क्वचित प्रसत्य मार्गा त्वयि व्रत श्रौद्या त्वाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विघ्नाय नकाय निकापत मूर्धम प्रभु। इसलिए कहते तुम्हारे चरण को जो आश्रय करके जो भगवान की भक्ति करते हैं, हैं? और तुम्हारी प्रति जिनको बद्ध श्रौद्या प्रेम को द्वारा, हाँ तुम्हारी प्रति जिसको प्रेम है वो क्या करते हैं, इनका भक्ति राज्य में जितने बाधा विघ्न आता है वो बाधा विघ्न को ऊपर सब प्यार रख करके और निर्भय हो करके ये भ्रमण करते हैं। इसलिए कहते हैं जो भगवान की भक्त है कहते इनका काम क्रोध लोभ मोह इनका कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, उनके सर के ऊपर प्यार रख करके ये भ्रमण करते हैं। आप देखो जैसे आप कथा सुनते हैं ठाकुर का सेवा करते हैं, आप देखना कहाँ काम कहाँ क्रोध किसको किया गया कुछ याद नहीं, कुछ अपर याद, अभी जैसे कथा सुन रहे हो कोई घर का बात कोई याद आ रहे हैं, कोई काम है क्रोध है घर का कोई दुख कष्ट याद आ रहे क्या। इसलिए कहते हर समय जो भगवान की भजन करने वाले उनको काम क्रोध उनको कुछ भी नहीं कर सकता है, जो विघ्न देने वाले सर को प्यार रख करके
निर्भय में भ्रमण करते हैं, लेकिन जो भक्ति छोड़ करके जो ज्ञान मार्ग में जाते हैं, अपना कठोर साधन भजन से बड़े उच्चे पद को प्राप्त करते हुए उनका पतन होता है, लेकिन भक्तों का कोई पतन नहीं होता है। इसलिए इसी विषय पर हम लोग कल श्रवण कर रहे थे, और यहाँ पर श्री विश्वनाथ ठाकुर उन्होंने स्वयं पूर्व पक्ष करते हैं, कहते आप कहते हो आपका लोग ज्ञान कोई कटाक्ष से कर रहे हो, ज्ञानी लोगों का पतन हो जाता है, अरे भक्तों का भी तो पतन होता है। इसलिए उन्होंने तीन उदाहरण दिया, किसका किसका, उन्होंने श्री चित्र केतु महाराज का उन्होंने उदाहरण दिया, कैसे चित्र केतु महाराज जब आकाश में अपना पत्नियों को लेकर के विमान में भ्रमण कर रहे, भ्रमण करते करते जब कैलाश में गए, वहां पर देखा शंकर जी पार्वती को गोद में बैठा करके ऋषि मुनियों को तत्व ज्ञान दे रहे थे। जब चित्रगुप्त चित्रगुप्त केतु महाराज को पता है शंकर जी परम वैष्णव है, माँ परम वैष्णव ही है, परम संत ही है, लेकिन ये चीज को देख करके साधारण लोग इस विषय पर कोई कटाक्ष नहीं करे, इनका कोई अपराध नहीं हो जाए, इसलिए उन्होंने केवल दुनिया को शिक्षा देने के लिए ये बात बताई। लेकिन इतना सुनते ही पार्वती तो एकदम बिगड़ गई, बोले जहां पर इतने बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि भी बैठे हुए हैं, ये कुछ बोल नहीं रहे, तुम कौन बोलने वाले, और शंकर जैसे परम वैष्णव है सत्यम शिवम जो सुंदरम, उनको बोलने के लिए तू कौन होता है। उन्हें अभिशाप दे दिया, बोले जा तू राक्षस जन्म में चले जा है? लेकिन उच्च चित्र के तो महाराज, लेकिन उनका अंदर में इतने शक्ति थी उल्टा अभिशाप दे सकते थे, लेकिन ये वैष्णव है। इसलिए उन्होंने माँ के चरण में प्रणाम किया, बोले माँ हमें इतना ही आशीर्वाद दो, आपका अभिशाप को मैं ग्रहण करता हूँ, लेकिन इतना ही आशीर्वाद दो, भले ही मैं राक्षस जन्म में जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन जैसे प्रभु की चरण में मेरी भक्ति बनी रहे, भक्ति कभी नष्ट नहीं होनी चाहिए। जो प्रणाम की शंकर जी, बोले पार्वती तो देखने में जितने सुंदर है ना, अंदर से उतना सुंदर नहीं हो, अरे तुमको बीच में टपकने का क्या जरूरत था, अरे अभी अभी मैं उतर देने वाला था, बोले मैं तो एक स्त्री को गोद में लेकर बैठा, तू तो इतना स्त्रियों को लेकर घूम रहे ऊपर में, अभी तो मैं बोलने वाला था और तुम बीच में टपक पड़ी, तो बीच में टपकने का क्या जरूरत था, तुम देख लिया है मेरे, है जो कुछ हो मेरे गुरु भाई है ना, क्योंकि वो दोनों ही शंकरचरण का शिष्य है, इसलिए कहता हूँ ना कभी होता है ना जैसे गुरु भाई में कभी कभी हंसी दिलगी करते हैं, इसलिए जैसे हंसी दिलगी कर रहे थे, लेकिन तू बीच में बोलने का क्या जरूरत था, तो देख लिया ना जो कुछ हुआ मेरे गुरु भाई है, तुम्हारे को जब उल्टा अगर अभिशाप देते तो मैं तेरे को रक्षा नहीं कर पाता, क्योंकि वो परम वैष्णव है, लेकिन उन्होंने तुम्हारी अभिशाप को भी उन्होंने वरदान रूप में चरण नीचा करके उन्होंने ग्रहण कर लिया है, और बोले किसी ना किसी जीवन में जाओ उसे भक्ति रहे। फिर उन्होंने विद्रास रूप में आए, और जिस समय इंद्र को साथ में इनकी लड़ाई हो रही थी, क्या उन्होंने श्लोक बोले, इसलिए विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं ये भागवत कहते हैं किसको, बोले जिसमें ये विद्रासुर का जिसमें उपाख्यान है, और विद्रासुर की जहां पर जिनकी उनकी जो स्तुति उसको भागवत कहते हैं, अद्भुत रूप में उन्होंने स्तुति की। 40 श्लोक में क्या कहते हैं, अहम हरितव पादयी कमूलम तासन उदास भवितास्मि भुव, इसलिए कहते हैं प्रभु मैं क्या चाहता हूं, बोले अहम हरे तब पादय कमूलम दासान दास, बोले प्रभु जैसे तुम्हारे दासों का जैसे मैं दास बन सकता हूँ, आपका दास नहीं दासों का जैसे मैं दास बन सकूं, बोले क्यों, बोले आपका दास में जितना लाभ उसका दासों का दास होने में ज्यादा लाभ है, हैं? इसलिए छोटे होने में ज्यादा लाभ, बड़े होने में ज्यादा लाभ नहीं, मतलब यहाँ पर जो महाप्रभु कहते तो भृत्य तुम्हारी सेवक गोपी भरत पाद कमल दास दास दासन दास, हम की दासों के हम दास बनना चाहते हैं, क्यों कारण किया, बोले जो सबसे जो नीचा हो छोटा होता है ना उसको पर सबका कृपा होता है, घर में देखना जो छोटे बच्चे होते सब उसको ख्याल रखते हैं, बड़े को भी ख्याल नहीं रखते, छोटे को सब प्यार करते हैं, इसलिए बड़े बनने पर सब बोझ है सर पर, अरे छोटे बनने पर मस्ती आनंद है, इसलिए भक्ति जगत में ठीक वैसे हैं, जो सबसे छोटे होते हैं ये मंजरी, इनको राधा कृष्ण की निकुंज सेवा में इनकी आसानी से प्रवेश करते हुए ठाकुर की सारे सेवा करते हैं, और जैसे कृष्ण प्रसाद भाई
उसको फिर राधा रानी पाई, ललिता विशाखा रूपम अंजलि, फिर उसको जितना नीचे आएगा ना, सबका प्रसाद किसको मिलेगा, जो सबसे नीचे होगा उसको मिलेगा। इसलिए प्रभु मैं आपका दास की दास बनना चाहता हूँ। और क्या दास दास बनकर क्या करोगे, बोले प्रभु जैसे हमारी हाथों से जैसे तुम्हारी सेवा करे, जैसे जीवा से तुम्हारी नाम कीर्तन करे, नेत्र से तुम्हारे रूप का दर्शन करे, कानों से जैसे तुम्हारी कथाओं को सुने, इसलिए मेरे जितने सारे इंद्रियां हैं जैसे तुम्हारे ठाकुर की सेवा में जैसे लग जाए, हैं आपकी सेवा में लग जाए। इसलिए अद्भुत उन्होंने स्तुति की है। इसलिए कहते प्रभु, भगवान कहते ठीक है मैं तेरे को स्वर्ग देता हूँ ले ले। बोले ननाथ प्रेष्ट, बोले नहीं, बोले स्वर्ग नहीं चाहिए, बोले सबसे जो उच्च लोग है ब्रह्म पद, बोले बोले नहीं नहीं प्रभु, नहीं तो उससे भी पाताल रसाधिपत्य प्रसाद अलग, उससे भी ज्यादा ईश्वर जल, बोले नहीं नहीं, बोले तो इतना सार्वभौम संपूर्ण पृथ्वी का राज, बोले नहीं नहीं प्रभु, बोले तो मोक्ष ले ले, बोले नहीं, बोले फिर क्या चाहता, बोले विरह कांक्षाएं, जैसे ब्रज गोपियां भी निराश तुम्हारी विरह में जैसे डूब जाती थी, ऐसे ही मैं जैसे तुम्हारी चिंतन करते 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 संपूर्ण रूप में जैसे तुम डूब जाओ, इसलिए आपका विरह प्रार्थना करता हूँ। बोले विरह कैसे चाहते हो, तो उन्होंने कितना उदाहरण दिया, तीन उदाहरण दिया, क्या क्या दिया, बोले से बोले अजात पक्षम, बोल सकते हो कथा अजात पक्षम इव मातरम खदा स्तन्यम यथा वत्सला कुधाता प्रियम प्रियम विशतम विसरना मनोरविंदाक्ष विदेक्षति त्वाम। बोले प्रभु उन्हें तीन विरह प्रार्थना किया। पहला विरह प्रार्थना किया, जैसे अभी किसी पक्षी ने अंडा को अभी फोड़ा है, अभी वहां से छोटा बच्चा निकला पक्षी, अभी उसका अभी पंख नहीं उगा है, अभी उड़ नहीं सकता है, माँ क्या करती है उसको घोंसले में छोड़ करके दाना चुगने के लिए चली जाती है, लेकिन वो जो बच्चा ना डरता हुआ रहता है। बोले क्यों, उसी समय कभी पिल्ली आकर खा जाता है, कभी चीली आकर उसको खा जाता है, तरह तरह का जानवर आकर उसको खा जाते हैं, उस समय उसको छोड़ करके चली जाती है माँ दाना चुगने के लिए, हैं उसी समय हर समय माँ को चिंता करते हैं भैया कब आएगा, अगर कोई थोड़ी थोड़ी खड़खड़ आवाज हो जाए ना चे 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 करके देखने लग जाए, क्या भैया आ गया है, क्या भैया आ गया, अब देखना कभी कभी चे चे चे, अरे जब माँ दाना लेकर के आ जाए ना कभी देखना, वही तो मुंह खोल देता है, और माँ क्या करती है उसको मुंह में दाना देता है, उसको मुंह में दाना देता है। बोले प्रभु जैसे एक पंख जिसका उगा नहीं, जैसे ये चिड़िया दिन भर माँ की चिंतन करता है, ऐसे ही जैसे प्रभु दिन भर जैसे मैं तेरी चिंता में डूबा रहूं। फिर ये उदाहरण दे करके देखिए, जब माँ उसको खाना खिला देता है ना, फिर गोद में सो जाता है, फिर माँ का चिंता नहीं करता है, हैं कहते भैया है ना, भैया की गोद में सो रहा हूँ, खुद आपत्ति विपत्ति आएगा तो भैया हमें रक्षा करेगा, उसमें देखा ये स्वार्थ है, क्यों भैया को चिंता करते हो, भैया भोजन कराएगी। फिर उन्होंने बछड़ा का उदाहरण दिया है, जैसे बछड़ा यहाँ पर तो बछड़ा पास में रहते जैसे गौशाला, लेकिन पहले क्या होता था, बछड़ा को घर में छोड़कर माँ मैदान में चली जाती थी घास खाने के लिए, दिन भर घास खाते खाते शाम का आता था, अब बछड़ा देखना क्या कहते हो, हम बा हम बा हम बा, जैसे यहाँ पर दिलहस में माँ 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 करता रहता है बछड़ा है, हैं भैया कब आएगी मेरे को दूध पिलाएगी, भैया भूख लग रहा है, भैया कब आएगी मेरे को दूध पिला, माँ 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 बोलता रहता है। लेकिन जब माँ आ जाती है ना, अब देखना बछड़े का रस्सी भी नहीं खोल सकते, ऐसे तेजी से भागना चाहता है, रस्सी भी खोल नहीं सकते। फिर जब जाकर के भैया के स्थान में शर्म आता है, गैया उसका पूछ खड़े कर दे, उसको चाटने लग जाती है, फिर जाकर के उसका हृदय जब बात्सल्य रस में भर जाती है ना, फिर माँ के स्तन में दूध आ गया, दूध नहीं आएगी। इसलिए प्रभु मेरे को ऐसे प्रेम चाहिए, बछड़ा जैसे अम्बा अम्बा बोलता रहता है, हैं लेकिन बछड़े जब दूध पी लेगा फिर मैया की चिंता नहीं, फिर उदरते रहेगा, फिर उधर खेलते रहेगा, हैं तब यहाँ कहते कि आप मैया को इसीलिए बुला रहे हो दूध पीना पीने के लिए, और जब मैया दूध पिला देगा तो उदरते रहो खेलते रहो, बोले इसमें भी स्वार्थ है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ है, कारण है वहां पर भोजन जो लाता था वो अलग, लेकिन यहाँ पर माँ का हृदय जब बात्सल रस में उमड़ती है तब भी उसका हृदय में दूध निकलेगा, तो दूध नहीं निकलेगा है, इसलिए उससे ये श्रेष्ठ है, इनकी प्रेम ही बात्सल रस में ये दूध बन करके आते हैं। फिर तीसरा उदाहरण दिया, जैसे कि पत्नी पतिव्रता जैसे स्त्री अपना पति के लिए जैसे दिन भर पति की जैसे चिंता करता है, मैंने पहले उदाहरण दिया था ना, याद है क्या याद है, जैसे एक समय
कोई एक समय है, एक समय एक पत्नी पति पत्नी दोनों प्रेम पूर्वक रहते थे। पति ने पत्नी से बोले, देखो 10 दिन के लिए मेरे को कहीं बाहर जाना है। पत्नी कहती, तुम बाहर जाओ तो मैं क्या करूँ, ये रसोई किसी लिए बनाता हूँ, तेरे लिए ना, खाना तेरे लिए बनाता हूँ, ये श्रृंगार किसी लिए करता हूँ, तेरे लिए, ये बिस्तरा क्यों लगाता हूँ, तेरे लिए, ये घर क्यों साफ करते, बोले तेरे लिए, जो कुछ करता हूँ तो तेरे लिए मैं करती हूँ ना, तुम जाओगे तो मैं क्या करूँगी। बोले कोई विशेष जरूरी काम है बेचारे अनपढ़, पहले तो पढ़ी लिखी होती नहीं थी, हैं, बोले कितने दिन बाद में आओ, बोले 10 दिन बाद में, बोले पता कैसे चलेगा, बोले ये दीवार में मैं 10 लाइन खींच देता हूँ, जब एक दिन जाएगा एक लाइन को बिठा देना, दूसरे दिन जाएगा दूसरे लाइन को, जब एक लाइन रह जाएगा ना पता चलेगा मेरे पति कल आने वाले। अभी पति जब चले गए उसने सारे श्रृंगार उतार के रख दिया, अगर उसे ठीक से खाना नहीं बनाते, बोले खाना किसके लिए बना, बिस्तरा सजाती है बिस्तरा भी नहीं सजाती है, घर साफ करती तो घर भी साफ नहीं, बोले किसके लिए करो, जिसके लिए करता तो ही नहीं, इसलिए। लेकिन जब उसमें केवल एक लाइन लग जाती, एक जब एक एक लाइन मिटाती जाती है, जब एक लाइन रह जाता है, बोले कल आए, और उनको पता है ना पति को क्या प्यारा है, रात भर उनको लाएगी, हाँ रोटी सब्जी ये सब मिठाई रात भर बना रही है, पति कल आने वाले है, पहले पहले रात को पानी गर्म करके एकदम खाना बना के रेडी करके रख करके घर को सामने बैठती है और ऐसे देखती रहती है, पति कब आए, पति आज आने वाला, आने वाला, जब देखता है पति आ गए ना, एकदम प्रसन्न हो जाती है, हर पति को स्नान कराती है, कपड़ा उनको पहनाती है, फिर उनको आसन देकर बैठाती है और उनको खाना खिलाती, पास में पंखा लेकर पंखा झुलाती है, पहले तो प्यार नहीं होता था, उनको पंखा झुलाती है और जो चीज प्यारा चीज है ना उनको उनको खिलाती, बोले इतना दिन से ठीक से खाना नहीं खाया हो कि खा, इसलिए कहती जैसे कि पतिव्रता स्त्री जैसे पति के लिए दिन भर जैसे चिंता करती है उनके चिंता में डूब जाती, बोले प्रभु मैं भी दिन भर तेरे चिंता में ऐसे ही डूब रहूं, क्यों, तेरे सेवा के लिए, तेरे सेवा के लिए मैं करते रहूं। इसलिए यहाँ पर कहते यहाँ प्रियाम प्रिय पति पत्नी का उदाहरण नहीं दिया, बोले क्यों, बोले जो पत्नी है पति के ऊपर संपूर्ण निर्भर करती, वही कमाता है वही खिलाता है कपड़ा लता जो कुछ देने वाले पति, इसलिए पति को इसलिए प्रेम कर चुके पति सब कुछ देता है, हैं? लेकिन यहाँ पर उदाहरण दिया प्रिया प्रिय पति पत्नी नहीं प्रिया प्रिय मतलब उदाहरण दिया गोपियों को साथ में, हैं? ये गोपियों को कृष्णा नहीं खिलाते, गोपियां अपना हाथ से खाती हैं, हाथ से पहनती हैं, हाथ से खाते हैं, लेकिन उल्टा कृष्ण की ये सेवा करती हैं, इसलिए इन्होंने ऐसे उन्होंने उदाहरण दिया गोपियां जैसे, बोले प्रभु मेरे जैसे मम उत्तम श्लोके जने सुसख्य, मेरा जो प्रीति है तुम्हारे भक्तों को साथ में जैसे प्रीति हो, इसलिए यहाँ पर कहते हैं दिखाई क्या पड़ा चित्रकूट महाराज का, जिसे पतन हुआ है, लेकिन पतन होकर किस रूप में आए, बिंदासुर रूप में, क्या स्तुति कर रहे, जिसको सुन करके इंद्र भी आश्चर्य में रह गए, इसको मारो तो मारो कैसे, इतने सुंदर सुंदर श्लोक, इतने सुंदर सुंदर भावना इसके हृदय में, इंद्र भी सुनकर आश्चर्य, बोले नहीं मारूंगा भैया अपराध हो जाएगा, वैष्णव अपराध हो जाएगा, लेकिन वृत्तासुर क्या कहते, तुम मार क्यों नहीं मार रहे हो, क्योंकि इसी शरीर से मैं भजन नहीं कर, राक्षस का शरीर है ना, अगर मैं संतों के पास में जाऊं बैठने के संत भाग जाते हैं, ये राक्षस वहां से आ गया, ये शरीर ऐसे प्रतिकूल मिल गया, इसे तुम मेरे को मार दे, तुम मेरे को मार दे जान से, हैं, इसलिए कहते इनका पतन नहीं हुआ। दूसरा उदाहरण क्या दिया इन्होंने, किसका उदाहरण दिया, भरत महाराज का, भरत महाराज ने रघुबर महाराज को क्या उपदेश दिया, रघुबर न तपस्या न जाति न दया न निर्पाप न गृह नहीं वंदास नहीं जलागिर बिना महत्व दो, जब तक किसी साधु की चरण में शरणागत नहीं होते हो तुम जो कुछ भी कर लो, जितने पूजा सेवा वेद अध्ययन घर सब छोड़ दो, कुछ भी होने वाले नहीं जब तक किसी महान संतों को चरण में शरण, क्या उन्होंने उपदेश उन्होंने भरत महाराज दिया रघुबर महाराज, सारे बंधन खत्म हो गए, सारे बंधन को उन्होंने तोड़ दिया, दांत दांत को तोड़ दिया अद्भुत रूप में, भारत में भागवत में जिनके अद्भुत दिव्य चरित्र है। तीसरा उदाहरण दिया उन्होंने इंद्रदुम्न महाराज, कैसे उनको अभिशाप दिया था हाथी जन्म में आए, भागवत में सब बताया, और उन्होंने क्या भगवान को स्तुति की अद्भुत, एक हाथी होकर के ठाकुर को जो स्तुति कर रहे थे ना, सारे देवता सोच रहे थे कौन जाएगा किसका नाम ले रहे हैं, लेकिन लास्ट में श्री नारायण आए, ना रा केवल दो के उच्चारण करे, इतने में चक्र पेश करके उन्होंने
उन्होंने मगरमच्छ को मार डाला है, इसलिए कहते इनको दिखाई पड़ता है जिसे पतन हुआ, लेकिन पतन नहीं हुआ बल्कि इनके प्रेम की प्रकाश हो रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं कौन तो यह प्रतिज्ञानी न मैं भक्ता पर अर्जुन तो प्रतिज्ञा करो मेरे भक्तों का विनाश नहीं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भक्त लोग हर समय जितने भी दिखता है इनका पतन हुआ है लेकिन इनका कोई पतन नहीं हुआ, भक्ति दूसरे जीवन में बढ़ करके प्रकट हुई है। इसलिए कहते भक्तों का कभी विनाश नहीं है। इसलिए आप लोग क्या करो भगवान की खूब भक्ति करते रहो, भगवान की खूब भजन करते रहो, ठीक है। बच आकर उतर नमो नमो हरे कृष्ण 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 हरे हरे।